हेलो भाई, नमस्कार और जय हिंद सभी को। तो एक्चुअल में जो क्लास है ये वाली आपकी नाउन की क्लास एमटीएस 2024 के लिए, ये लाइव होने वाली थी लेकिन कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से मैं दो बार लाइव आने की कोशिश की मैंने, लेकिन नहीं हो पाया, बफर हो रहा था। तो मैंने सोचा कि टाइम वेस्ट ना करें, रिकॉर्ड करके आपको दे दिया जाए, ठीक है। तो विद कॉन्सेप्ट मैं कराने वाला हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको नाउन का बताने वाला हूँ, साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। आज की क्लास में जितना आप पढ़ लोगे नाउन में, उससे बाहर नाउन में कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में। जो भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में वो आप कर दोगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। बस उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। आ जाओ, माई सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, ये एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट इसका क्या है कि जब भी आपके सामने एक नाउन हो, नाउन के बाद एक प्रेपोजिशन हो और उस प्रेपोजिशन के बाद में वही सेम नाउन हो, जो नाउन यहाँ पर है वही नाउन यहाँ पर हो, तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि जो दोनों नाउन होते हैं ना, ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर की तरह यूज होगा, कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा। यहाँ पर जो नाउन है वो भी सिंगुलर और यहाँ पर जो नाउन है वो भी सिंगुलर, और अगर ये ओवरऑल सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करेगा तो वो भी क्या कहलाएगा, सिंगुलर ही कहलाएगा, ध्यान रखना। यानी कि इसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे देखो शिप्स आफ्टर शिप्स, तो एक नाउन है, नाउन के बाद प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद वही सेम नाउन है, तो यहां पर गड़बड़ क्या है, यहां पर ये सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है, गड़बड़ क्या है कि यहां पर प्लूरल दे रखा है और यहां पर भी क्या दे रखा है, प्लूरल, जबकि आपको पता है कि जब नाउन हो साथ में प्रेपोजिशन हो और फिर से वही नाउन रिपीट कर दिया जाए, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि जो दोनों नाउन होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर की फॉर्म में होंगे, ठीक है। तो गलत है, अब यहां पर मैंने देखो सिंगुलर दे दिया, शिप आफ्टर शिप, तो ये तो ठीक होना चाहिए लेकिन अभी भी गलत है। अब इसमें क्या गलती है सर, इसमें क्या गलती है, मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा किसका काम करती है, प्लूरल का, किसका काम करती है, प्लूरल का, और जब आप इसी में एस या एस ऐड कर देते हो तो ये बन जाता है सिंगुलर, क्या बन जाता है, सिंगुलर। वर्ब के केस में हमेशा याद रखना ये कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वो प्लूरल है, अगर आप उसमें एस या एस ऐड कर देते हो तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर। अब अभी मैंने आपको बताया कि ओवरऑल अगर ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो ये सिंगुलर बन जाएगा, जैसे ये दोनों तो सिंगुलर है ही, लेकिन अगर आप इसको सब्जेक्ट मान लेते हो पूरे को तो आगे जो वर्ब है वो भी तो सिंगुलर ही आएगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो गया, तो शिप आफ्टर शिप ये पूरा सिंगुलर हो गया, तो आगे वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो जो ये जो अराइव दे रखा है ये आपको पता क्या दे रखा, प्लूरल, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो प्लूरल का काम करती है, हाँ कि ना। तो यहां पर क्या होना चाहिए, अराइव्स, क्या होना चाहिए, अराइव्स, ठीक है। और यहां पर शिप आफ्टर शिप, तो ये भी सिंगुलर और साथ में जो वर्ब है वो भी सिंगुलर, यानी कि ये आपका करेक्ट है। ऊपर वाले में एरर आपको पता लग गया, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एरर आप पता लगा लोगे क्या है, माय सिस्टर हैज रेड पेजेस आफ्टर पेजेस, तो इस वाले पार्ट में एरर है। देखो एक नाउन है, प्रेपोजिशन है, फिर उसी नाउन को रिपीट किया गया है, तो ये होना चाहिए पेज आफ्टर पेज, क्या होना चाहिए, पेज आफ्टर पेज, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आ गया समझ में, पेज आफ्टर पेज ना कि पेजेस आफ्टर पेजेस। अगला क्वेश्चन, दीज स्ट्रे कैटल्स आर रोमिंग अराउंड द टाउन, कैटल का मतलब क्या होता है, कैटल का मतलब जो चरने वाले पशु होते हैं, गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दीज स्ट्रे, स्ट्रे का मतलब आवारा या सड़क पे जो घूमते हैं, दीज स्ट्रे कैटल्स आर रोमिंग, रोम का मतलब इधर उधर घूमना या भटकना, अराउंड द टाउन मतलब पूरे शहर में इधर उधर क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। इसमें आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, क्या दीज में कोई एरर है, या स्ट्रे कैटल्स में कोई एरर है, या द टाउन में कोई एरर है, या आर रोमिंग अराउंड में कोई एरर है, उसके लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, बहुत ही प्यारा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो क्या है, देर आर सम नाउन्स विच लुक लाइक सिंगुलर बट आर प्लूरल, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो दिखने में कैसे होते हैं, दिखने में होते हैं सिंगुलर, दिखने में कैसे होते हैं सिंगुलर, बट एक्चुअल में क्या होते हैं, वो एक्चुअल में क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, मतलब जब आप देखोगे तो आपको सिंगुलर लगेंगे। अब आप कहोगे सर कैसे, मतलब हम कैसे कह सकते हैं देख के कि कोई नाउन सिंगुलर है प्लूरल है, बिल्कुल कह सकते हैं, जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, यूजुअली जो होता है वो क्या होता है, यूजुअल चीज क्या होती है कि मैं आपको बोलूं बॉय और मैं आपको बोलूं बॉयज, मैं आपको बोलूं कि देखकर बताना कौन सा सिंगुलर कौन सा प्लूरल, तो आप बता दोगे ना सर जी ये सिंगुलर है प्लूरल है, आप कैसे बता पाते हो, अगर आप किसी नाउन के एंड में एस ई एस या आई ई एस ऐसा कुछ देख लेते हो तो आप कहते हो कि सर जी वो प्लूरल है, क्या है वो, प्लूरल है। तो ऐसे कुछ नाउन होंगे जो देखने में आपको सिंगुलर लगेंगे, जैसे मैं आपसे बोलूं कैटल तो देखने में सिंगुलर है, हाँ कि ना, क्योंकि इसमें एस ई एस नहीं है लास्ट में। अब आप बोलोगे सर अगर कैटल्स होता तो देखने में प्लूरल लगता, लेकिन कैटल है तो मतलब सिंगुलर लग रहा है देखने में, ऐसी जेंट्री सिंगुलर लग रहा है, पोल्ट्री भी सिंगुलर लग रहा है, पीपल भी सिंगुलर लग रहा है देखने में, पुलिस, कैवलरी, इन्फेंट्री, प्रेजेंट्री, क्लर्जी, नोबिलिटी, एक्सक्रीटा, टेनेंट्री, वर्मिन, फॉक, ये सारे देखने में क्या लग रहे हैं, सिंगुलर, क्योंकि किसी के भी लास्ट में एस ई एस या आई ई एस नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ये सारे के सारे क्या है, प्लूरल है। अब अगर ये प्लूरल ऑलरेडी है,
मैं अगर बोल रहा हूं कि कैटल प्लूरल है तो क्या अलग से आप इनमें एस या ईएस ऐड करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि प्लूरल है। जैसे मैं आपको बोलूं चिल्ड्रन, तो मेरे भाई चाइल्ड होता है आपका सिंगुलर, चाइल्ड क्या होता है सिंगुलर, और इसी का जो प्लूरल होता है वो क्या होता है चिल्ड्रन। तो जब मैं आपको बता रहा हूं कि चिल्ड्रन जो है प्लूरल है, देखने में प्लूरल नहीं है क्योंकि लास्ट में एस नहीं है, लेकिन है तो प्लूरल, हाँ कि ना। तो अगर ये ऑलरेडी प्लूरल है तो क्या इसके लास्ट में एस जोड़ूंगा मैं? नहीं जोड़ूंगा मैं। तो इसी तरीके से सारे के सारे नाउन है। इनका मीनिंग सर जी क्या होता है, मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। कैटल का मतलब चरने वाले पशु, जेंट्री का मतलब समाज के जो सभ्य किस्म के लोग होते हैं, ठीक है। पोल्ट्री आपको पता है जो अंडे देने वाले जितने भी पक्षी होते हैं सामूहिक रूप से उनको पोल्ट्री कहा जाता है। पीपल माने लोग, पुलिस का मतलब आपको पता है। कैवलरी का मतलब क्या होता है, कैवलरी का मतलब जो घोड़े पे लड़ने वाली सेना होती है ना, जब एक युद्ध होता है तो हाथी पे लड़ने वाली सेना अलग होती है, घोड़े पे लड़ने वाली सेना अलग होती है, उनको बोलते हैं कैवलरी, एक सामूहिक रूप से कैवलरी, किसी एक को नहीं सामूहिक रूप से, क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल है। पीपल किसी एक व्यक्ति को नहीं बोलते, पीपल का मतलब लोग सामूहिक रूप से। कैटल किसी एक जानवर को नहीं बोलते, सामूहिक रूप से चरने वाले जो पशु उनको मिलाकर क्या बोलते हैं, कैटल। इसकी अपने आप में कोई पहचान नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं कैटल तो उसकी अपने आप में कोई पहचान नहीं है। अगर मैं बोल दूं काओ तो उसकी अपने आप में एक पहचान है कि हाँ गाय है। मैं बोल दूं गोट, अपने आप में एक पहचान है कि हाँ गोट है। लेकिन कैटल में कोई भी हो सकता है, गाय भैंस कोई भी हो सकती है, ठीक है। ऐसी जेंट्री पोल्ट्री इनकी अपनी कोई पहचान नहीं है खुद की। पीपल, पुलिस, कैवलरी, इन्फेंट्री जो पैदल सैनिक होते हैं ना, एक तो होते हैं घोड़े पे लड़ने वाले, एक होते हैं हाथी पे लड़ने वाले, एक होते हैं जो पैदल ही होते हैं, है ना, नीचे लड़ रहे हैं चलते चलते, इन्फेंट्री सामूहिक रूप से बोलते हैं। पीजेंट्री मतलब किसान वर्ग, किसान वर्गों को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, पीजेंट्री। एक किसान को फार्मर बोलोगे लेकिन एक किसान को पीजेंट्री नहीं बोलोगे। पीजेंट्री का मतलब एक सामूहिक रूप से किसानों की बात हो रही है, पीजेंट्री, ठीक है। क्लर्जी, नोबिलिटी, क्लर्जी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लर्जी। क्लर्जी का मतलब होता है जो पादरी वर्ग होते हैं ना, जो पुजारी लोग होते हैं, जो पादरी लोग होते हैं, उन सामूहिक रूप से उनको क्या बोलते हैं, क्लर्जी। क्या बोलते हैं, क्लर्जी। नोबिलिटी मतलब समाज के जो सभ्य या जो ऊंचे कुल के लोग होते हैं। एक्सक्रीटा जो मल होता है इंसान का, जो वेस्ट निकलता है इंसान के अंदर से या जानवर के अंदर से, उसको बोलते हैं एक्सक्रीटा, ठीक है। टेनेंट्री मतलब कौन होते हैं, जो किराएदार लोग होते हैं ना, उनको सामूहिक रूप से टेनेंट्री कहा जाता है। और वर्मिन का मतलब कौन होते हैं, वर्मिन का मतलब होते हैं कीड़े मकोड़े, खास करके वो कीड़े मकोड़े जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, जो कहां पाए जाते हैं, जमीन के अंदर पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं वर्मिन। और फोक का मतलब सिंपल होता है लोग, फोक का मतलब क्या होता है, लोग। तो ये जितने भी आपको नाउन दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे देखने में सिंगुलर आपको लग रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में सारे के सारे क्या है, प्लूरल है। सारे के सारे क्या है, प्लूरल है, यानी कि आप इनमें अलग से एस ईएस नहीं लगा सकते। पहली चीज आप समझ गए। दूसरी चीज, अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि ये प्लूरल है तो इनके साथ में वर्ब भी कैसे आएगा, प्लूरल आएगा। आप पीपल इज तो नहीं बोलोगे, पीपल आर बोलोगे। पुलिस हैज तो नहीं बोलोगे, पुलिस हैव कहोगे, हाँ कि ना। पीजेंट्री इज नहीं बोलोगे, पीजेंट्री आर बोलोगे, हाँ कि ना। आ रहा है समझ में, इतना क्लियर हो गया भाई, इसमें कोई डाउट किसी को? तो देखो नोट में क्या लिखा है, ए या एन इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड टू मेक दिस नाउन सिंगुलर। इन नाउन्स को सिंगुलर बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि एक सिंगुलर है ही नहीं है। अब आपको सर इनका कुछ ना कुछ सिंगुलर भी तो होता होगा, नहीं, इनका कोई सिंगुलर नहीं होता, क्योंकि मैंने क्या बताया, इनकी कोई अपनी सामूहिक, इनकी कोई अपनी पर्सनल कोई पहचान थोड़ी है। जैसे मैं बोलता काउज, तो आप इसका सिंगुलर बना सकते हो काउ, क्योंकि इसकी एक अपने आप में पहचान है। लेकिन जब मैं कैटल बोल रहा हूं तो कैटल की अपने आप में कोई इंडिविजुअल पहचान नहीं है, क्योंकि कैटल कोई जानवर थोड़ी है, सामूहिक रूप से चरने वाले पशु को कैटल बोलते हैं। तो इसलिए आप इसको सिंगुलर नहीं बना सकते, ये प्लूरल था, प्लूरल है, प्लूरल ही रहेगा। इसमें आप ये मत सोचना कि अ लगा दूंगा तो एक चरने वाला जानवर बन जाएगा, नहीं। अगर आपको एक बोलना है तो आप बोलो अ काउ, अ बफेलो, अ गोट, इस तरीके से, अ कैटल नहीं। तो ए या एन लगाने की कोशिश इसके साथ में मत करना, ठीक है, सिंगुलर बनाने के लिए। और ऐसे ही एस ES या IES लगाकर इनको प्लूरल बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है, ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है, हाँ कि ना। यानी कि अ कैटल बोलोगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसी अ पोल्ट्री बोलोगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अ पुलिस बोलोगे तो क्या हो जाएगा, गलत, ए एन तो आएगा ही नहीं। ऐसी कैटल की जगह कैटल्स बोल दोगे तो भी गलत, क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है। पोल्ट्री की जगह पोल्ट्रीज बोलोगे वो भी गलत, और ऐसी पुलिस की जगह पुलिसिस बोलोगे तो वो भी गलत। क्या ऊपर वाले में आपको एरर समझ में आ गई, यहां पर दे रखा है कैटल्स, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, करेक्ट क्या होना चाहिए, कैटल, क्या होना चाहिए, कैटल, क्योंकि ऑलरेडी ये प्लूरल है, और देखो प्लूरल वर्ब है तो ये तो ठीक है, तो एरर इस वाले पार्ट में है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ भाई, कोई डाउट इसमें किसी को? ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा, ये सारे नाउन आपको याद रहेंगे कि दिखने में क्या है, सिंगुलर है, बट एक्चुअल में क्या है, प्लूरल है, एक्चुअल में क्या है, प्लूरल है। इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए भाई, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़े, इसका आंसर पता लग गया, आगे देखो।
दो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपके सामने। द चार्ट पेपर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द चिल्ड्रंस। अभी पीछे मैंने आपको क्या बताया था कि चाइल्ड जो होता है वो सिंगुलर होता है और इसी का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन। तो जब ये ऑलरेडी प्लूरल है तो क्या इसमें अलग से एस या एस जोड़ने की आवश्यकता है, तो नहीं है। तो ये आपका गलत है, चिल्ड्रंस नहीं होगा, चिल्ड्रन होगा। सही आंसर क्या होगा, चिल्ड्रन। क्या होगा, चिल्ड्रन। ठीक है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चंस नहीं बनाए, ये इसका आंसर है, इस वाले पार्ट में एरर है। सारे के सारे जो क्वेश्चंस है एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए। ठीक है, आई हैड अ हार्ड टाइम पेइंग द ड्राइवर, मतलब आई हैड अ हार्ड टाइम, मतलब बड़ा तंगी में था मैं, बड़ा मुश्किल में था मैं, पेइंग द ड्राइवर, इतना मुश्किल में था कि मैं ड्राइवर को पे भी नहीं कर सकता था, क्योंकि एज आई हैड ओनली, क्योंकि मेरे पास था सिर्फ हंड्रेड रुपी नोट, मेरे पास क्या था, सिर्फ हंड्रेड रुपी नोट। मेरे भाई मेरे बंधु एक चीज बताओ मुझे, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना है इसको। अगर मैं लिख रहा हूं टू टू हंड्रेड पीपल, अगर मैं लिख रहा हूं टू हंड्रेड पीपल यानी कि दो सौ लोग, क्या लिख रहा हूं मैं, दो सौ लोग, हां कि ना, समझ में आया। या फिर मैं लिखूं टू हंड्रेड रुपीज यानी कि दो सौ रुपए, दो सौ रुपए, तो क्या मैं हंड्रेड का हंड्रेड्स करूंगा यहां पर, क्या मैं हंड्रेड का हंड्रेड्स कर सकता हूं। एक बात बताओ, आप एस ई एस लगाते हो जैसे बॉय का बॉयज करते हो, ठीक है, आपने प्लूरल बना दिया, आप गर्ल का गर्ल्स करते हो, आपने प्लूरल बना दिया, ये आप कब करते हो, नाउन के साथ करते हो ना, आप किसी नाउन में एस ई एस लगाकर उसको प्लूरल करते हो। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि एडजेक्टिव में एस ई एस लगता है, जैसे टॉल एक एडजेक्टिव है, बैड एक एडजेक्टिव है, गुड एक एडजेक्टिव है, ये सारे के सारे क्या हैं, एडजेक्टिव्स हैं। क्या कभी आपने सुना है कि एडजेक्टिव में एस ई एस लगाकर प्लूरल किया जाता है, नहीं कर सकते आप। एस या ई एस लगा के प्लूरल जो बनाया जाता है वो एक नाउन को बनाया जाता है, आप एक एडजेक्टिव को एस या ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, यहां पर इस कॉन्सेप्ट को लिखो, एडजेक्टिव के अंदर, एडजेक्टिव में एस या ई एस, ठीक है, इस तरीके से लिखो, नॉट एडेड, नॉट एडेड, क्या समझे, एडजेक्टिव के साथ में एस ई एस क्या है, नॉट एडेड, यानी कि एड नहीं कर सकते, एडजेक्टिव के साथ में एस ई एस एड नहीं कर सकते, नाउन के साथ में करते हैं। तो एक बात बताओ, हंड्रेड क्या है, एक एडजेक्टिव है, हंड्रेड क्या है, एक एडजेक्टिव है, व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। अब क्वालिफाई करने का क्या मतलब होता है, किसी भी तरीके से क्वालिफाई कर सकता है, उसका रंग बता देगा, नाउन या प्रोनाउन का रंग बता देगा, रूप बता देगा, आकार बता देगा, साइज बता देगा, हाँ कि ना, संख्या बता देगा, मात्रा बता देगा। तो यहां पर जो पीपल है ये नाउन है, पीपल क्या है, नाउन है, हाँ कि ना, और ये दोनों मिलकर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं 200, ऐसे ये दोनों मिलकर एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं 200, तो ये एडजेक्टिव है ना। मतलब लोग कितने, 200, रुपए कितने हैं, 200, मेरी बात समझ में आ रही है, यानी कि एडजेक्टिव है, ये क्या कर रहा है, इस नाउन की संख्या बता रहा है, इस नाउन की संख्या बता रहा है। तो एडजेक्टिव में कभी भी एस ई एस नहीं लगाते, इसीलिए यहां पर आप 100 का हंड्रेड्स नहीं कर सकते, 100 का हंड्रेड्स नहीं कर सकते, मेरी बात समझ में आई, हाँ कि ना, इज दैट क्लियर, इतना समझ में आया, इसमें कोई डाउट। अब एक बात बताओ, यहां पर क्या लिखा, ओनली 100 रुपी नोट, मेरे पास क्या था, नोट था, मेन जो है ना मेरा नाउन ये है, मेरे पास क्या था, नोट था, वो जो नोट था वो कितने रुपए का था जानते हो, 100 रुपए का नोट था वो, मेरे पास जो नोट था वो 100 रुपए का था। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो लिखा है मैंने, ये क्या कर रहा है, ये नोट की विशेषता बता रहा है कि मेरे पास जो नोट था वो कितने रुपए का था, 100 रुपए का, यानी कि जो 100 रुपी लिखा है मैंने, ये इस नोट की विशेषता बता रहा है आपको, इस नोट की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। तो जो नाउन की विशेषता बताया वो एडजेक्टिव होता है, तो क्या कभी एडजेक्टिव प्लूरल फॉर्म में होता है, नहीं होता। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 100, क्या हो जाएगा, 100, 100 रुपी नोट, यानी कि 100 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट, नोट यानी कि 100 रुपी नोट, समझ में आया। तो एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं बनाते एस ई एस लगाकर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ओनली, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ये जो लिखा है ओनली 100 रुपी, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 100 रुपी नोट, क्या आ जाएगा, 100 रुपी नोट, इज दैट क्लियर, हाँ कि ना, बढ़े आगे, याद रखोगे इसको। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू ट्री फ्रॉग स्पीसीज, जो साइंटिस्ट है उन्होंने डिस्कवर किया है, मतलब खोजा है एक नया, अ न्यू, एक नया मतलब एक की बात हो रही है, एक नया ट्री फ्रॉग स्पीसीज, तो क्या ये स्पीसीज ठीक है, अगर एक ढूंढने की बात हो रही है तो क्या स्पीसीज ठीक है,
स्पीसीज देखने में आपको क्या लग रहा है, स्पीसीज एक नाउन है और देखने में आपको क्या लग रहा है, प्लूरल, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जिसके लास्ट में एस ई एस या आई ई एस आता है वो ऑब्वियसली देखने में प्लूरल लगता है। अब इस कॉन्सेप्ट पे आओ, कुछ ऐसे भी हमारे पास नाउन होते हैं, देर आर सम नाउन्स, देर आर सम नाउन्स विच हैव सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, मतलब इनको आप सिंगुलर में यूज करो या प्लूरल में यूज करो, ये सेम यूज होते हैं, मतलब आप इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, मतलब यही सिंगुलर है यही प्लूरल है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, समझ में आया। यानी कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक प्रजाति की खोज की गई है तो भी स्पीसीज, अगर मैं आपको बोलता दो अलग अलग प्रजातियों की खोज की गई है तो भी स्पीसीज, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिंपल। अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। जैसे यहां पर देखो एक प्रजाति की बात हो रही है तो आप ये नहीं बोल सकते अ न्यू स्पीसी, स्पीसी कुछ नहीं होता भाई, स्पीसी कुछ नहीं होता, ये कुछ होता है क्या, अ न्यू स्पीसी स्पीसी कुछ नहीं होता, सिंगुलर हो या प्लूरल हो स्पीसीज ही रहेगा, इसको याद रखना। चाहे एक प्रजाति हो दो प्रजाति हो स्पीसीज, चाहे एक सीरीज हो दो सीरीज हो तीन सीरीज हो सीरीज ही रहेगा, अ सीरीज टू सीरीज थ्री सीरीज, सीरीज नहीं सीरीज, प्लूरल भी यही है सिंगुलर भी यही है। ऐसी ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है, संतान। इशू, इशू का मतलब क्या होता है, इशू का मतलब मुद्दा भी होता है, इशू का मतलब संतान भी होता है, लेकिन यहां पर इशू का मतलब क्या है, संतान। यहां पर इशू का मतलब क्या है, संतान। अगर मुद्दा होगा तब तो आप उसका प्लूरल बना सकते हो, इश्यूज कर सकते हो, ठीक है। वेयर अबाउट्स का मतलब क्या होता है, ठिकाना। अब एक ठिकाना हो चाहे बहुत सारे ठिकाने हो, वेयर अबाउट्स ही रहेगा, वेयर अबाउट मत कर देना, कहीं एक ठिकाना हो तो वेयर अबाउट सर जी ऐसा हटा दो, नहीं ऐसी क्या ऐसी रहेगा ये। वेजेस, वेजेस का मतलब क्या होता है, वेजेस का मतलब भत्ते भी होता है, वेजेस का मतलब क्या होता है, भत्ते भी होता है, और वेजेस का मतलब क्या होता है, किसी चीज का परिणाम भी होता है। वेजेस जो आपको मिलता है किसी काम के बदले जो पैसा मिलता है उसको भी वेजेस कहते हैं, और परिणाम को भी क्या बोलते हैं, वेजेस कहते हैं, हाँ कि ना, बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, इज दैट क्लियर। ठीक है, जैसे मैं लिखूं हिज वेजेस आर लो, हिज वेजेस आर लो, यानी कि उसके जो भत्ते हैं वो बहुत कम है, हिज वेजेस आर लो। यहां पर जो वेजेस है किसका काम कर रहा है, प्लूरल का काम कर रहा है, प्लूरल का काम कर रहा है, हिज वेजेस आर लो। तो प्लूरल हो सिंगुलर हो दोनों में क्या होगा, वेजेस ही होगा, प्लूरल हो या सिंगुलर हो दोनों में क्या रहेगा, ये वेजेस ही रहेगा, इसको वेज नहीं कर सकते आप, क्या रहेगा, वेजेस, क्या रहेगा, वेजेस। और ऐसी अगर मैं परिणाम की बात करूं तो क्या लिखेंगे, द वेजेस ऑफ सिंस इज डेथ। अब यहां पर देखो जरा ध्यान से, यहां पर मैंने आर लगाया है जिसको देखकर आपको पता लग रहा है कि प्लूरल है, यहां पर मैंने इज लगाया जिसको देख के आपको पता लग रहा है कि सर जी ये सिंगुलर की तरह यूज किया है। तो मैंने क्या बताया, चाहे मैं सिंगुलर मानूं इसको चाहे मैं प्लूरल मानूं, ये रहेगा इसी फॉर्म में, वेजेस का वेजेस, वेज नहीं कर सकते आप इसको, क्या रहेगा, वेजेस, क्या रहेगा, वेजेस। और यहां पर वेजेस का मतलब क्या है, परिणाम, क्योंकि देखो ना मैंने क्या लिखा कि पाप का परिणाम क्या है, मौत। अगर आप पाप करते हो तो उसका एक ही परिणाम है, वो क्या है, मौत। तो जब आप वेजेस का मतलब पाप, जब आप वेजेस का मतलब मानते हो परिणाम, क्या मानते हो, परिणाम, तो हमेशा उसको क्या मानना है आपको, सिंगुलर, हमेशा उसको क्या मानना है, सिंगुलर, वो कभी प्लूरल नहीं हो सकता, वो कभी प्लूरल नहीं हो सकता। ठीक है, आया समझ में, सॉरी सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। ठीक है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, या फिर द वेजेस ऑफ सिन आर भी लगा सकते हो यहां पर, आर डेथ एंड, और एक और परिणाम लगा दो यहां पर, मेरी बात को समझे, हाँ कि ना। जब आप इसका मीनिंग परिणाम मानते हो तो यहां पर आप इसको सिंगुलर की तरह भी यूज कर सकते हो, प्लूरल की तरह भी, लेकिन रहेगा वो वेजेस ही रहेगा, वो क्या, वेजेस ही। जैसे कि द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, यहां पर मैं एक ही परिणाम की बात कर रहा हूं, ये वो परिणाम है, परिणाम क्या है, मौत। अगर मान लो दो परिणाम होते, कितने परिणाम होते, दो परिणाम, तो मैं क्या बोलता, द वेजेस ऑफ सिंस आर, यहां पर क्या आ जाता, आर, लेकिन ये वेजेस ही रहता, आर डेथ एंड, यहां पर जो दूसरा परिणाम होता वो आ जाता है यहां पर, मेरी बात समझे। तो जब इसका मतलब परिणाम हो तो वो सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह यूज हो सकता है। ठीक है, आया समझ में। और अगर इसका मतलब भत्ते है, भत्ते यानी कि जो पैसा आपको मिलता है काम के बदले, तो आप इसको हमेशा एज अ प्लूरल यूज करोगे, हमेशा एज अ प्लूरल नाउन यूज करोगे। ठीक है, जैसे देखो ना, द वेजेस, हिज वेजेस आर लो, मतलब उसके जो भत्ते हैं वो बहुत क्या है, कम है, उसकी जो तनख्वाह है बहुत क्या है, कम है। तो यहां पर हमेशा प्लूरल आप इसको यूज करोगे, यहां पर आप इसको इज नहीं कर सकते, हिज वेजेस इज लो, नहीं हिज वेजेस आर लो, हिज वेजेस आर लो। क्या आपको इतनी बात मेरी समझ में आ रही है भाई? ठीक है भाई, समझ गए क्या बताया मैंने, कि जितने भी यहां पर नाउन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, कहां तक थे, कहां तक पढ़ा हम लोगों ने, वेजेस तक पढ़ा, जितने भी यहां पर आपको नाउन दिखाई दे रहे हैं ये सारे अपने आप में सिंगुलर भी हैं, अपने आप में प्लूरल भी है। यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि इसके सिंगुलर बनाने के लिए सर इसमें से एस हटा दें, सीरी कर दें, या स्पीसी कर दें, है ना, या इसमें प्लूरल बनाने के लिए सर वेकेशंस कर दें, नहीं, यही सिंगुलर है यही प्लूरल है, जैसा दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही रहेगा, कोई छेड़खानी आपको करनी नहीं है। ठीक है,
और वेजेस के बारे में क्या बताया, इसका मीनिंग भत्ते यानी कि सैलरी भी होता है और इसका मीनिंग परिणाम यानी कि रिजल्ट या आउटकम भी होता है। अगर इसका मीनिंग भत्ते है तो ये ऑलवेज प्लूरल रहेगा, और अगर प्लूरल है तो वह भी प्लूरल आएगा। अगर इसका मीनिंग परिणाम है तो ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। एक परिणाम है तो सिंगुलर और वह भी सिंगुलर, अगर एक से ज्यादा परिणाम है तो यहां पर वर्ब क्या आ जाएगा, प्लूरल, और यहां पर आपको दो परिणाम दिखाने पड़ेंगे, डेथ एंड ऐसा कुछ लगा के आपको, ठीक है। लेकिन ये देखो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे मींस, मींस का मतलब क्या होता है, मींस का मतलब भी एक तरीके से सैलरी भी होता है, या कह सकते हो ना कमाई, सैलरी या कमाई, और मींस का मतलब साधन भी होता है, सैलरी भी होता है और साधन भी होता है, ठीक है। तो यह हमेशा मींस ही रहेगा, मीन नहीं हो सकता, क्या रहेगा, मींस। हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स, अब चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, वो क्या रहेगा, हेडक्वार्टर्स, क्या रहेगा, हेडक्वार्टर्स। अगर आप बोलते हो दिल्ली पुलिस का मुख्यालय तो आप क्या बोलोगे इंग्लिश में, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर या दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स। आप कहोगे सर एक ही है तो क्या फर्क पड़ता है, हेडक्वार्टर्स ही रहेगा। दो है तो भी हेडक्वार्टर्स, तीन है तो भी हेडक्वार्टर्स, ठीक है। ऐसी एयरक्राफ्ट, डियर, डियर माने हिरण, डियर माने हिरण, तो एक डियर हो या बहुत सारे डियर हो वो डियर ही रहेगा, ठीक है। ऐसे शीप, शीप का मतलब भेड़, एक हो या एक से ज्यादा हो शीप ही रहेगा। ऐसी फिश, एक हो या एक से ज्यादा वो फिश ही रहेगा। किसी किसी केस में फिशेस भी होता है, लेकिन फिशेस कब होता है, जब अलग अलग तरह की मछलियों की आप बात करते हो, ठीक है, अलग अलग तरह की मछलियां, अलग अलग तरह की फिश। जैसे आपके पास मान लो एक एक्वारियम है जिसमें मछली रखते हैं ना, उसमें एक लाल मछली, एक पीली मछली है ना, एक अलग तरह की मछली है, तो फिशेस हो गई वो। लेकिन अगर आप ओवरऑल बात करते हो मछलियों की, प्लूरल बनाते हो मछलियों को, तो फिश का फिश ही रहेगा, समझ गए। तो ये सारे के सारे ऐसे नाउन सिंगुलर में भी यही रहेंगे, प्लूरल में भी यही रहेंगे। अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगा, प्लूरल है तो वर्ब क्या आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा, हाँ कि ना। जैसे साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू स्पीसीज, तो यहां पर देखो जो स्पीसीज है वो सिंगुलर है, स्पीसीज क्या है, सिंगुलर है, तो स्पीसीज ही रहेगा, और साथ में जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, चेक करो। विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनलार्ज्ड क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द थंब दैट लिव ऑन, दैट लिव ऑन, ये जो लिव है, ये जो वर्ब है, ये किसके लिए लगा है भाई, ये जो वर्ब है किसके लिए लगा है, ये वर्ब इसी स्पीसीज के लिए लगा है, है ना। मतलब वो जो स्पीसीज जो खोजी गई है वो जिंदा रहती है, कहाँ रहती है, या रहती है कहाँ रहती है, ऑन अ रिमोट टेबल टॉप माउंटेन, यानी कि जो वर्ब है ये इसी स्पीसीज के लिए लगा है। और इसको पढ़कर आपको पता लगा कि यहाँ पर जो स्पीसीज है वो कितने हैं, एक ही है, यानी कि सिंगुलर की बात हो रही है, यहाँ पर जो स्पीसीज है वो सिंगुलर है। तो मैंने क्या बताया, सिंगुलर और प्लूरल रहेगा तो स्पीसीज, लेकिन वर्ब जो है वो उसी के अकॉर्डिंग आएगा, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। तो मेरे भाई यहां पर स्पीसीज सिंगुलर है तो यहां पर लिव की जगह पर क्या आ जाएगा, लिव्स। अभी मैंने आपको बताया था जब आप वर्ब में एसईएस लगा देते हो तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर। अभी फिलहाल ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है तो ये भी क्या आ जाएगा, सिंगुलर। तो लिव की जगह पर क्या आ जाएगा, लिव्स। तो एरर किस में है, इस वाले पार्ट में है, समझे। कोई डाउट है भाई, बताओ। ये नाउन्स आपको याद रखने सारे के सारे, ठीक है। स्पीसीज, सीरीज, वेकेशन, ऑफस्प्रिंग, इशू, वेयर अबाउट्स, वेजेस, मींस, हेडक्वार्टर्स, और जितने भी यहां पर लिखे हैं, एयरक्राफ्ट, डियर, शीप, फिश, एटसेट्रा, ठीक है। आगे बढ़े। द फंक्शन वॉज अटेंडेड बाय देयर थ्री सन इन लॉज, सन इन लॉज। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो एक से ज्यादा वर्ड्स को यूज करके बनाए जाते हैं। जैसे मैंने बोला सन, तो ये सिंगुलर एक ही वर्ड को यूज करके बनाए। मैंने बोला फादर, एक ही वर्ड को यूज करके बनाए। लेकिन अगर मैं बोलूं सन इन लॉ, फादर इन लॉ, तो है तो ओवरऑल ये एक ही व्यक्ति ना, लेकिन तीन शब्द को मिलाकर एक नाउन बन रहा है। सन इन लॉ एक ही नाउन है लेकिन तीन शब्द को मिलाकर बना है। फादर इन लॉ एक ही नाउन है लेकिन तीन शब्द को मिलाकर बना है। तो ऐसे नाउन जो एक से अधिक शब्दों को मिलाकर बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनता है, जनरली एस इज एडेड टू द मेन, एस या ईएस कह सकते हो, जनरली एस इज एडेड टू द मेन या प्रिंसिपल वर्ड। जो आपका मेन या प्रिंसिपल वर्ड होता है कंपाउंड नाउन का, उसमें हम लोग एस या ईएस जोड़ते हैं, ये ध्यान रखना। आप ये मत रट्टा लगा लेना कि भाई लास्ट में ही एस सी एस जोड़ा जाता है नाउन के, जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, नहीं। अगर आपके सामने कंपाउंड नाउन आ जाए तो कंपाउंड नाउन के बारे में ध्यान रखना कि उसका प्लूरल अगर आपको बनाना है तो अगर तीन शब्द हैं, दो शब्द है, तो एक न एक ऐसा शब्द होगा जो मेन होगा, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ड। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ड। तो जो प्लूरल बनेगा वो भी उसी में एस या ईएस ऐड करके बनेगा, प्रिंसिपल वर्ड में। जैसे मैं आपको बोलूं ब्रदर इन लॉ, ये तीन शब्दों को मिलाकर एक बना है, लेकिन इसमें जो मेन शब्द है, जो प्रिंसिपल वर्ड है, वो क्या है, ब्रदर। यानी कि अगर आपको इसका बनाना है प्लूरल तो आप क्या करोगे, ब्रदर में एस जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ। क्योंकि मेन तो ब्रदर ही है ना, अगर मैं बोल रहा हूं ये मेरा ब्रदर इन लॉ है तो मेन शब्द तो ब्रदर हुआ ना, लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से मेरा भाई है ये, मेरी बात समझ में आ रही है। लेकिन मेन जो शब्द है वो तो ब्रदर है, बाकी तो क्या बता रहा है, कानून की नजर में, कानून के हिसाब से
मेन वर्ड क्या है, ब्रदर, मेन नाउन क्या है, ब्रदर, तो एस सी एस जोड़ना है आपको ब्रदर में। अगर आप इसकी जगह पर कर दोगे ब्रदर, लास्ट में जोड़ने की आदत होती है ना बच्चों को, ब्रदर इन लॉज, ऐसे लास्ट में जोड़ने की आदत होती है, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि मेन वर्ड आपका ब्रदर है। ऐसी सेम एरर यहां पर है, मेन वर्ड जो आपका वो क्या है, सन है, तो क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ, क्या हो जाएगा, सही क्या होना चाहिए, सन्स इन लॉ, ये आपका सही आंसर होना चाहिए। तो एरर किस वाले पार्ट में है, एरर आपका इस वाले पार्ट में है, ठीक है। अच्छा बाकी भी देख लो एक बार नाउन भाई, स्टेप मदर, सौतेली माता, तो मेन वर्ड क्या है, मदर, तो प्लूरल अगर आपको बनाना है तो मदर में जोड़ना है आपको एस। अब लास्ट में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे यहां पर पहले था कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ लास्ट में है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो प्रिंसिपल वर्ड से मतलब है, चाहे वो पहले हो चाहे लास्ट में हो, उसी में एस ये जोड़ना है। लुकर ऑन का मतलब दर्शक, तो ये ऑन तो प्रपोजिशन है ना, मेन वर्ड क्या है, लुकर, यानी कि देखने वाला, जो लुक कर रहा है वो लुकर है, तो लुकर्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसी ग्रैंड फादर, ग्रैंड तो एक उपाधि है, मेन बंदा कौन है, फादर, मेन शब्द क्या है, फादर, तो क्या हो जाएगा, ग्रैंड फादर्स। क्लास फेलो, यानी कि क्लास का साथी, तो मेन शब्द तो साथी है ना, साथी कहां का है, वो क्लास का, लेकिन है कौन वो मेरा साथी, वो मेरा क्लास थोड़ी है, वो मेरा साथी है, कहां का, क्लास का, तो मेन शब्द क्या है, फेलो, तो क्या हो जाएगा, क्लास फेलोज। ऐसी मेड सर्वेंट, तो मेन शब्द क्या है, सर्वेंट्स, तो इसका सर्वेंट्स बन गया, सर्वेंट का। ऐसी फादर इन लॉ में मेन शब्द क्या है, फादर, तो फादर्स इन लॉ। स्टेप ब्रदर में मेन शब्द क्या है, ब्रदर, तो स्टेप ब्रदर्स। ऐसी रेस हॉर्स, यानी कि रेस का घोड़ा, तो मेन शब्द तो हॉर्स ही है ना, वो कहां का है, रेस का है, वो अलग बात है, लेकिन है क्या वो हॉर्स है, है क्या वो हॉर्स है। ऐसे ऐसे अगर दो हो तो मैं क्या बोलूंगा, रेस हॉर्सेस, क्या बोलूंगा, रेस हॉर्सेस। ऐसे बुक केस की जगह क्या बोलूंगा, बुक केसेस। अगर मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये मेरा बुक केस है, तो मैं आपको केस दिखा रहा हूं, मैं आपको एक बुक नहीं दिखा रहा हूं, मैं आपको केस दिखा रहा हूं, तो मेन शब्द केस है, तो बुक केसेस, ठीक है। याद रख लोगे, कंपाउंड नाउन जो होता है उसमें एस ई एस जो हम ऐड करते हैं प्लूरल बनाने के लिए, वो करते हैं मेन वर्ड में, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल वर्ड होता है, ठीक है। द फर्नीचर इन दिस शॉप इज वेरी कॉस्टली, एरर बताना आपको इसमें, उसके लिए कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, इसके ऊपर बार 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 एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं। डोंट यूज या एड अ, एन, वन, टू, दीज, दोज, मैनी, मतलब ए या एन, ए या एन हम कब लगाते हैं किसी भी नाउन में, उसको सिंगुलर बनाने के लिए, ठीक है, या कोई भी नंबर जैसे वन टू या थ्री फोर फाइव या कोई भी ऐसा एडजेक्टिव जो उसको प्लूरल बनाए, जैसे कि दीज, दोज या एस ई एस जो प्लूरल बनाए, इन सब के साथ में आपको ऐड नहीं करना। ये जो जितने भी नाउन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे जो नाउन है, ये एक्चुअल में क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, एक्चुअल में क्या है ये, अनकाउंटेबल नाउन। आप जानते हो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है ऐसे नाउन जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, वो अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आप नाउन को देखोगे तो नाउन को मैं यहां पर दो तरीके से डिवाइड कर सकता हूं, नाउन को ओवरऑल में दो तरीके से डिवाइड कर सकता हूं, एक होता है काउंटेबल नाउन, ठीक है, और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में तीन तरह के नाउन आते हैं, एक आता है आपका प्रॉपर नाउन, एक आता है आपका कॉमन नाउन, ठीक है, और एक आता है आपका कलेक्टिव नाउन। ये तीन जो नाउन है इनको हम काउंटेबल बोलते हैं, क्योंकि इनको हम काउंट कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल में आपका क्या आता है, एक आता है आपका नंबर चार कर दो उसको, एक आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक आता है आपका मटेरियल नाउन। क्या आता है भाई, मटेरियल नाउन, ठीक है। ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी कि जो काउंटेबल है इनको हम गिन सकते हैं, जो अनकाउंटेबल उनको नहीं गिन सकते। व्हाट इज प्रॉपर नाउन, किसी भी एक व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का जो एक प्रॉपर नाम होता है, जो केवल उसी के लिए होता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आप एक लड़के हो, तो लड़का आपकी पहचान को नहीं बता रहा, लड़का क्या बता रहा है, लड़का आपके जेंडर को बता रहा है, लेकिन आपकी एक इंडिविजुअल पहचान भी तो है। जैसे लड़के तो दुनिया में करोड़ों हैं, अरबों हैं, लेकिन आपकी इंडिविजुअल पहचान क्या है, कि आपका नाम मान लो है राहुल, तो मैंने आपको बोल दिया राहुल, क्या बोल दिया मैंने, राहुल, तो राहुल क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो प्रॉपर मैंने आपके लिए यूज किया। अब आप कहोगे सर दुनिया में और भी राहुल है, उससे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मैंने जो राहुल शब्द यूज किया वो मैंने आपको आपके प्रॉपर एक नाम से मैंने आपको पुकारा, आपका वो नाम है। अगर मैं लड़का बोल रहा हूं तो मैं आपकी क्या बता रहा हूं, मैं आपका जेंडर बता रहा हूं, लेकिन जब मैंने बोला राहुल तो मैं प्रॉपर आपका एक नाम लेके आपको इंडिकेट करके बोल रहा हूं, आपको पता लग जाएगा ना कि हाँ मैं प्रॉपर आप ही की बात कर रहा हूं, हाँ कि ना। 100 लड़के बैठे हैं, मैंने बोला एक लड़का आ जाओ कोई, तो मुझे नहीं पता मैं किस लड़के की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं बोलूं राहुल आ जाओ, तो राहुल जितने भी होंगे वही आएंगे ना, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर की बात हुई कि नहीं हुई। ऐसे मैं बोलूं सिटी, तो सिटी का मतलब शहर, कोई भी शहर हो सकता है, लेकिन उसी में से एक शहर का नाम ले दो, दिल्ली,
कोलकाता, मुंबई, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। सिटी क्या हो गया? कॉमन नाउन। बॉय क्या हो गया? कॉमन नाउन, जो किसी एक के प्रॉपर के नाम को नहीं दिखाता बल्कि वो कॉमन होता है। ठीक है, कॉमन समझ में आ गया? जैसे बॉय कॉमन है, गर्ल कॉमन है, सिटी कॉमन है, प्लेस कॉमन है, समझ में आ रहा है? कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है जब आप एक जैसे जो सिंगुलर नाउन्स होते हैं उनको कलेक्ट करो, उनका एक ग्रुप बनाओ और उसके ग्रुप को एक अलग नाम दे दो, अलग नाम। जैसे मान के चलो पांच चोर हैं, तो वो सारे अपने आप में क्या है? सारे अपने आप में क्या है? वो भी एक चोर है, वो भी एक चोर है, तो चोर क्या है? एक कॉमन नाउन है, क्योंकि दुनिया के सारे चोर को चोर बोलते हैं, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? तो चोर अपने आप में कॉमन नाउन है, लेकिन जब मैंने पांच चोरों को इकट्ठा किया, उनकी टीम बना दी, ग्रुप बना दिया, तो उनके ग्रुप को मैं क्या बोलूंगा? गैंग। तो गैंग क्या है? कलेक्टिव नाउन है ना? एक साथ बहुत सारी चाबियां आपने इकट्ठी कर ली, तो वो क्या बन गया? इंडिविजुअल क्या है? वो चाबी है। इंडिविजुअल जो है ना, सब अपने आप में क्या है? चाबी 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 चाबी। लेकिन जब ग्रुप बन गया, तो ग्रुप के बाद वो क्या बन गया? क्या बन गया? छल्ला, जिसको क्या बोलते हो? बंच। तो बंच क्या है? कलेक्टिव नाउन है। बंच क्या है? कलेक्टिव नाउन है। एक स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट है, तीन स्टूडेंट है, लेकिन जब मैं सबको कलेक्ट करके उनका एक ग्रुप बना दूं, ग्रुप को एक अलग नाम दे दूं, क्लास, तो क्लास आपका कलेक्टिव नाउन है, हाँ कि ना? उसको बोलते हैं। तो इन सबको हम गिन सकते हैं। अब एक तरफ है आपका अनकाउंटेबल, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या होता है? जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। ऐसे नाउन्स जिनका अपने आप में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। अब मैं बोल रहा हूं पेन, तो इसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना, मौजूद है ना, फिजिकली है, मैं इसको छू पा रहा हूं ना, देख पा रहा हूं ना, फिजिकली है ना। मैं बोलूं प्यार, तो प्यार भी एक नाउन है, लेकिन प्यार क्या फिजिकली आपके सामने मौजूद है? वो तो एक इमोशन है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे मैं बोलूं गुस्सा, नफरत, लालच, क्रोध, घृणा, ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझ में आ रहा है? ऐसे मैं बोलूं सामान, अब आपको कहे सर ये क्या बोल गए आप, सामान को तो हम देख सकते हैं, सामान की तो फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। एक बात बताओ, जैसे मान के चलो मेरा एक बैग रखा है, दूसरा बैग रखा है, तीसरा बैग रख रहा है, तो मैं बोल रहा हूं कि मेरा सामान है ये, क्या सामान अपने आप में कोई चीज है? सोचो जरा, दिमाग लगाओ, क्या सामान अपने आप में कोई चीज है? अगर मैं बोल रहा हूं मेरा सामान है ये, तो मतलब मैं सबको इंक्लूड करके बता रहा हूं कि ये मेरा सामान है। सामान अपने आप में कोई चीज नहीं है, बैग अपने आप में एक चीज है, बैग कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं सामान, तो सामान की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है मेरे भाई, सामान तो एक शब्द है। मतलब आप यहां दो चार बैग रखे हैं, कुछ और चीजें रखी हैं, तो उनको मैं बोल देता हूं सामान। सामान अपने आप में कोई चीज थोड़ी है। क्या दुकान पे आप सामान खरीदने जा सकते हो कि भैया मुझे सामान चाहिए? तो आपसे पूछेगा ना क्या सामान, क्योंकि सामान अपने आप में कोई चीज नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसी बोलूं सीनरी, कि यार सीनरी कितनी खूबसूरत है, तो क्या सीनरी कोई फिजिकल चीज है? अब आप कहोगे सर पर्वत है, पहाड़ है, नदी, तो पर्वत अपने आप में एक चीज है ना, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना, नदी की फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना, लेकिन सीनरी की क्या फिजिकल एग्जिस्टेंस है? सीनरी क्या है? जब आपने देखा पर्वत पहाड़, तो उनसे मिलकर बन गया एक दृश्य, जिसको आपने सीनरी कह दिया, तो वो भी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे एक काम है, आज मुझे एक जरूरी काम है, तो काम क्या है? कोई चीज है? फिजिकल एग्जिस्टेंस है? नहीं है, तो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इंफॉर्मेशन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझ में आ गया एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है? आप अपने आसपास जिस रूम में आप बैठे हो वहां पर थोड़ा नजर घुमाओ, आपके आसपास बहुत सारी चीजें रखी होंगी। देखो जैसे मान लो ना, ये बुक रखी है, या ये पेन है, ये बोर्ड है, बहुत सारी चीजें, ये सब कॉमन नाउन है। लेकिन ये सारी चीजें जिनसे बनी है, जैसे पेन किससे बना है? ये प्लास्टिक से बना है, तो प्लास्टिक मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन का मतलब ऐसे नाउन जो एक मटेरियल है जिससे दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो जैसे ये किसका बना है? ये बना है आपका उसका बना है, किसका बना है? ग्लास का। तो ग्लास, ग्लास यानी कि कांच, तो वो क्या है? मटेरियल नाउन है। प्लास्टिक क्या है? मटेरियल नाउन है। ये किससे बना है? प्लास्टिक से, मटेरियल नाउन है। ये जो है वायर किससे बना है? रबर, तो रबर क्या है? मटेरियल नाउन है। समझ में आ रहा? तो ये दोनों क्या है? अनकाउंटेबल। तो इनको हम गिन नहीं सकते, इनको हम गिन नहीं सकते। प्यार गिन के तो नहीं होता, गुस्सा गिन के तो नहीं होता, काम गिन के तो नहीं होता। अब आप कहोगे सर ये गलत बोल गए आप, काम तो गिनते हैं ना सर, कि मुझे आज दो काम है, तो बोलने में तो बोलते हैं यार, बोलने में कोई दिक्कत थोड़ी है। बट जब आप उसको इंग्लिश में यूज करोगे सेंटेंस में, तो आप टू वर्क्स नहीं बोल सकते, आप टू वर्क्स नहीं बोल सकते, क्योंकि वर्क क्या है? अनकाउंटेबल है। वर्क क्या है? अनकाउंटेबल क्यों है? क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मेरी बात को समझ गए, हाँ कि ना? तो ये अनकाउंटेबल होते हैं, और ये क्या होते हैं? काउंटेबल। अब ऐसी मटेरियल नाउन के बारे में देख लो, प्लास्टिक का प्लास्टिक्स नहीं होगा, जितना भी दुनिया का प्लास्टिक है वो प्लास्टिक ही है, प्लास्टिक्स नहीं है। आयरन का आयरन होगा, सिल्वर का सिल्वर होगा, गोल्ड का गोल्ड होगा, समझ में आ रहा है? रबर का रबर होगा। तो दिस इज अनकाउंटेबल एंड दिस इज काउंटेबल, इज दैट क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जितने भी नाउन यहां पर आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल है। अब अगर ये अनकाउंटेबल है, तो या तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, या तो ये मटीरियल नाउन होंगे। इतना क्लियर हो गया?
रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। तो ऊपर वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सारे के सारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ढंग से देखोगे तो पता लग जाएगा। और नीचे वाले जो है ये भी अनकाउंटेबल है, ये भी क्या है, अनकाउंटेबल है, क्योंकि सारे के सारे जो है मटीरियल नाउन है। अब आप पढ़ के देख लो, जैसे मैं आपको बोलूं सीनरी, तो अभी बताया सीनरी, ऐसी मैंने बोला एडवाइस, उसने मुझे एक एडवाइस दी, तो एडवाइस क्या कोई चीज है, उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है क्या, नहीं है, तो एब्स्ट्रैक्ट है। पोइट्री, पोएम्स के कलेक्शन को पोइट्री कहते हैं, पोइट्री अपने आप में कोई चीज नहीं होती है, पोएम अपने आप में एक चीज होती है, ठीक है, तो पोएम का पोएम्स हो सकता है, लेकिन पोइट्री पोएम्स के कलेक्शन को बोलते हैं, तो पोइट्री अपने आप में कोई चीज नहीं है। ऐसी फर्नीचर, अब आप कहोगे सर फर्नीचर तो अपने आप में एक चीज होती है सर, ये दिखाई भी देती है, हम छू भी सकते हैं, तो फर्नीचर अपने आप में कोई चीज नहीं है, सोफा अपने आप में एक चीज है, बेड अपने आप में एक चीज है ना, टी टेबल अपने आप में एक चीज है, इन सबको मिलाकर ही तो फर्नीचर कहते हैं। तो क्या फर्नीचर अपने आप में कोई चीज है, क्या आप दुकान पर जाके ये बोलोगे भैया मुझे फर्नीचर चाहिए, तो क्या वो डायरेक्ट आपको कोई सामान लाके दे देगा, वो आपसे पूछेगा नहीं भैया फर्नीचर में क्या चाहिए, पूछेगा ना। तो फर्नीचर अपने आप में कोई चीज नहीं है, इसकी कोई इंडिविजुअल पहचान नहीं है, समझ में आ रहा है। ऐसे इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, अब इक्विपमेंट तो कुछ भी हो सकता है, एक पेचकस है वो भी इक्विपमेंट है, एक हथौड़ा है वो भी एक इक्विपमेंट है, तो इक्विपमेंट की अपने आप में कोई पहचान नहीं है, ऐसे याद रखो कि इनकी अपने आप में कोई पहचान नहीं है। वर्क, हेल्थ, स्टेशनरी, अब स्टेशनरी की अपने आप में कोई पहचान नहीं है, जैसे पेन, पेंसिल, रबड़, ये सारी चीजें जो होती हैं इनको हम स्टेशनरी कहते हैं, क्या स्टेशनरी अपने आप में कोई चीज है, नहीं है, ठीक है। क्रॉकरी, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, तो क्रॉकरी अपने आप में कोई चीज नहीं है, ठीक है। लगेज मतलब सामान, कॉस्ट माने कीमत, बैगेज का मतलब पूरा सामान, नॉलेज का मतलब ज्ञान, ज्वेलरी का मतलब क्या होता है, आभूषण जो पहनते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो अपने आप में एक चीज होती है ना सर, नहीं, ज्वेलरी अपने आप में कोई चीज नहीं है। अब आप बोलते हो इयर रिंग्स, ये अपने आप में एक चीज है, नोज पिन ये अपने आप में एक चीज है, बैंगल्स ये अपने आप में एक चीज है, नेकलेस ये अपने आप में एक चीज है, लेकिन ज्वेलरी अपने आप में क्या चीज है बताना। आप दुकान पर जाके बोलोगे भैया ज्वेलरी दे दो, तो क्या डायरेक्ट आपको लाके वो कुछ दे देगा, पूछेगा ना ज्वेलरी में क्या दिखा दे बताइए, तो ज्वेलरी अपने आप में कोई चीज नहीं है। ऐसी पॉटरी, वेस्टेज, पोस्टेज, परसेंटेज, ट्रैफिक, वेल्थ, परसेंटेज दो बार लिख दिया, ठीक है, रिसर्च, अब्यूज, वर्क, वर्क भी दो बार लिख दिया क्या, हाँ वर्क भी दो बार लिख दिया है, एविडेंस, ये सारे के सारे अपने आप में क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, इसलिए ये अनकाउंटेबल होते हैं। और अगर कोई नाउन अनकाउंटेबल है तो उसके बारे में दो या तीन बातें याद रखना। पहली चीज कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले कभी भी ए या एन नहीं लगा सकते, क्योंकि जिसको गिन ही नहीं सकते उसको आप एक कैसे बोल सकते हो, एक पानी गलत है, एक हवा गलत है, समझ में आया, हाँ कि ना, जिसको गिन नहीं सकते उसके पहले ए या एन तो आ नहीं सकता। अब जिसको गिन ही नहीं सकते उसके पहले गिनती कैसे लगा सकते हो, वन टू थ्री कैसे लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, तो वही तो लिखा है मैंने, ए एन भी नहीं आएगा, कोई गिनती भी नहीं आएगी, और ना इनको आप प्लूरल बना सकते। आप ये नहीं बोल सकते दीज सीनरीज, गलत हो जाएगा, प्लूरल नहीं बनेगा, ठीक है, दोज सीनरीज, गलत हो जाएगा, प्लूरल नहीं बनेगा। ऐसे आप इनके पहले मैनी नहीं लगा सकते, क्योंकि मैनी लगाने का मतलब आप इसको प्लूरल मान रहे हो, मैनी पेंस ये ठीक है, लेकिन मैनी सीनरीज गलत है। मतलब कोई भी ऐसा एडजेक्टिव इनके साथ ऐड मत करना जो उनको प्लूरल बना दे, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और दूसरी चीज अनकाउंटेबल के बारे में क्या याद रखते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी हम एस या ईएस ऐड नहीं करते। कभी वाटर में वाटर ऐड करते हो, करते हो क्या, ऑयल में ऑयल्स मतलब एस ऐड करके ऑयल्स बनाते हो, नहीं बनाते ना, ठीक है। ऐसी जो नीचे वाले हैं इनमें भी सेम चीज अप्लाई होगी, सारे के सारे मटीरियल नाउन है। जैसे हेयर का मतलब बाल, एक मटीरियल नाउन है, हेयर एक मटीरियल है, हेयर क्या है, एक मटीरियल है, ठीक है। और ऐसी शैम्पू एक मटेरियल है, शैम्पू से और भी चीजें बनाई जाती हैं। ब्रेड एक मटेरियल है, ब्रेड क्या है, एक मटेरियल है। अब आपको सर ब्रेड मटेरियल है, बिल्कुल मटेरियल है मेरे भाई, ब्रेड एक मटेरियल है, मटेरियल में काउंट होता है क्योंकि ब्रेड से बहुत सारी चीजें बनती है, केक भी बनता है, पेस्ट्री भी बनती है, ठीक है। बटर मटेरियल नाउन है, स्टोन मटेरियल नाउन है, पेपर मटेरियल नाउन है, ब्रिक यानी कि ईंट मटेरियल नाउन है, सोप यानी कि साबुन मटेरियल नाउन है, सैंड यानी कि रेत मटेरियल नाउन है, आयरन, फूड, गार्बेज, ये सब मटेरियल नाउन है, सब क्या है, मटेरियल नाउन है, इसलिए सारे के सारे क्या है, अनकाउंटेबल है, इनको आप काउंट नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे सर सर ये क्या बोल रहे हो आप, बचपन से जो चीजें पढ़ते आए करते हैं आप उसे गलत बता रहे हो, तो बिल्कुल गलत बता रहा हूं, क्योंकि बचपन से आप गलत पढ़ते आए हो, हाँ कि ना, बचपन से क्या पढ़ते आए हो, बचपन से आप बोलते आओ ना कि यार आज मैंने दो ब्रेड खाई है। देखो ब्रेड क्या है, ये जो होता है ना जो मशीन में तैयार होता है इस तरीके का पूरा एक लोफ, इसको ब्रेड कहते हैं। आप जो घर पे बोलते हो ना मैंने एक ब्रेड खाई, दो ब्रेड खाई, तो आपने ब्रेड नहीं खाई, आपने ब्रेड का जो स्लाइस है ना वो खाया आपने, एक ब्रेड दो ब्रेड इस तरीके से आप बोलते हो ना, तो आपने ब्रेड नहीं, ब्रेड तो ये पूरा होता है, इस पूरे को ब्रेड कहा जाता है, आपने पूरी ब्रेड नहीं खाई। आपने अगर बोला ना कि मैंने दो ब्रेड खाई, तो दो ब्रेड का मतलब आपने ऐसी ऐसी दो ब्रेड खाई, इसको अपने आप में क्या बोलते हैं, लोफ, क्या बोलते हैं, ये ब्रेड का लोफ है।
लेकिन आप जो बोलते हो एक ब्रेड दो ब्रेड, वो क्या होता है, ब्रेड का स्लाइस होता है। तो आप ये मत बोलो कभी भी कि आई एट, मैंने खाया टू ब्रेड्स, आप ऐसे कभी मत बोलो कि आई एट टू ब्रेड्स, आई एट टू ब्रेड्स, ये गलत है। आपने दो ब्रेड्स नहीं खाई, आपने ब्रेड के दो स्लाइसेस खाए हैं। तो आप क्या बोलोगे, आई एट टू वॉट, टू स्लाइसेस, टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ब्रेड का ब्रेड ही रहेगा, ब्रेड का प्लूरल कभी नहीं बनेगा एस सी एस लगा के, वही चीज तो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, याद रख लोगे। ठीक है, अच्छा आ गया। अब ऐसे आप कहोगे सर साबुन, सर साबुन जो है ये भी मटेरियल नाउन है, साबुन एक मटेरियल है जिससे वो जो आप घर में यूज कर रहे हो, जो आपने हाथ में लिया ऐसे मस्त रगड़ रहे हो, उस साबुन नहीं है, उस साबुन की बट्टी है, बट्टी बोलते हो या पता नहीं आप क्या बोलते हो, वो साबुन नहीं है, साबुन तो वो मटेरियल है जिससे वो बना है, वो जो आप यूज कर रहे हो हाथ में लेके आप रगड़ते हो बॉडी पे मस्त नहाते हो, उस साबुन की बट्टी है, उस साबुन का बार है। तो अगर आप बोलते हो कि मैंने एक साबुन खरीदा, अगर आप बोलते हो आई बॉट अ सोप, आई बॉट अ सोप, तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सोप एक मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन के पहले आप ए या एन नहीं लगा सकते, बताया था मैंने अभी। आपने जो खरीदा है ना, आपने साबुन से तैयार हुई एक बट्टी जो होती है जिसको आप साबुन कहते हो, यूजुअली हम लोग भी साबुन ही कहते हैं, आपने वो खरीदा, तो आप क्या बोलोगे, आई बॉट, आई बॉट अ बार ऑफ, उसको बार कहते हैं, अ बार ऑफ सोप, ये करेक्ट है, आई बॉट अ बार ऑफ सोप, वो साबुन का बार है, वो साबुन की बट्टी है। अब समझ में आ रही चीजें, क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है, ऐसी स्टोन हो गया, बटर हो गया, अब आप कहते हो बटर, तो बटर का जो आप खाते हो ना, आप बोलते हो ना कि मैं एक बटर लेके आया, जो आप लेके आते हो पैकेट में एक बटर लेके आया, तो आप एक बटर नहीं लाए दोस्त, आप बटर का एक क्या लेके आए हो, स्लाइस लेके आए हो। बटर भी अपने आप में पूरा इस तरीके से होता है, उसके स्लाइसेस कर दिए जाते हैं, तो आप एक स्लाइस लेके आए हो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो इनके बारे में और क्या लिखा है, वी कैन यूज अ बिट ऑफ, ठीक है, हम क्या क्या यूज कर सकते हैं इनके साथ में, ए या एन या वन टू थ्री दोज मैनी तो यूज नहीं कर सकते, एस सी एस भी नहीं लगा सकते, अ बिट ऑफ यूज कर सकते हैं, एन आइटम ऑफ यूज कर सकते हैं, अ पीस ऑफ यूज कर सकते हैं, अ काइंड ऑफ यूज कर सकते हैं, अ टाइप ऑफ यूज कर सकते हैं, अ स्ट्रैंड ऑफ यूज कर सकते हैं, अ स्लाइस ऑफ यूज कर सकते हैं, या फिर एन आर्टिकल ऑफ या अ बार ऑफ। यानी कि अगर आपको इनको सिंगुलर बनाना ही है, आपका मन कर रहा है कि सर जैसे अभी मैंने बताया ना कि मैंने एक साबुन खरीदा, मेरा मन कर रहा है कि इसको सिंगुलर बना दूं, वैसे तो ये अपने आप में क्या अनकाउंटेबल है, सिंगुलर ही है, तो इसको सिंगुलर बनाने की क्या जरूरत है, जब आप इनके साथ में एक नंबर जोड़ना चाहते हो कि मैंने एक साबुन खरीदा, मैंने एक बटर खरीदा, मैंने एक ब्रेड खाया, मन कर रहा है आपका सिंगुलर बनाने का, तो डायरेक्ट ए या वन तो जोड़ नहीं सकते। क्या उपाय है, इनमें से कुछ लगा दो, जैसे ब्रेड के लिए क्या लगा दो, स्लाइस, क्या लगा दो, अ स्लाइस ऑफ, सिंगुलर बनाना है तो, प्लूरल बनाना है तो टू स्लाइसेस ऑफ, स्लाइस का स्लाइसेस हो जाएगा, लेकिन ब्रेड का ब्रेड ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे आपको बाल का मान लो बनाना है सिंगुलर, कि जैसे एक बाल मिला गाड़ी में, सीआईडी को या पुलिस वालों को क्या मिला, एक बाल मिला, एक बाल, तो डायरेक्ट आप ये तो नहीं बोल सकते अ हेयर, गलत हो जाएगा, क्या बोलोगे, अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, क्या बोलोगे, अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर, स्ट्रैंड, ये बोलोगे अ स्ट्रैंड ऑफ हेयर। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई, हाँ कि ना। ऐसी साबुन के लिए मैंने बताया बार ऑफ सोप, क्या बोलोगे, बार ऑफ सोप, ऐसी इंफॉर्मेशन है, आप बोलते हो कि उसने मुझे एक इंफॉर्मेशन दी, तो डायरेक्ट एन इंफॉर्मेशन तो नहीं बोल पाओगे, है ना, क्या बोलोगे, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसी मुझे आज एक काम है, तो अ वर्क तो नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, अ पीस ऑफ वर्क, क्या बोलोगे, अ पीस ऑफ वर्क। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसमें एरर क्या है, द फर्नीचर्स दे रखा है इधर, क्या दे रखा है, द फर्नीचर्स, तो मैंने क्या बोला कि इनका प्लूरल कभी नहीं बनता, तो फर्नीचर का फर्नीचर रहेगा, तो एरर किस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में। सही आंसर क्या होगा, द फर्नीचर इन दिस शॉप इज वेरी कॉस्टली। ठीक है, ऑल क्लियर, कोई डाउट है इसमें भाई? और अगर आपको मान लो इनका क्या बनाना है, प्लूरल, इनका आपको प्लूरल चाहिए, जैसे आप बोलते हो ना कि मुझे, मैंने दो स्लाइस खाई, या मैंने दो ब्रेड खाई, मैंने दो साबुन लिया, तो उसी को टू कर दो, थ्री कर दो, और इनको प्लूरल बना दो, जैसे बिट ऑफ की जगह पर क्या हो जाएगा, बिट्स ऑफ, आइटम ऑफ की जगह आइटम्स ऑफ, पीस ऑफ की जगह पीसीज ऑफ, काइंड ऑफ की जगह काइंड ऑफ, टाइप ऑफ की जगह टाइप्स ऑफ, स्ट्रैंड ऑफ की जगह स्ट्रैंड्स ऑफ, स्लाइस ऑफ की जगह स्लाइसिस ऑफ, आर्टिकल्स आर्टिकल्स ऑफ, बार्स ऑफ, और इसके अलावा और भी चीजें आप लगा के इनको प्लूरल जो है वो बना सकते हो। ठीक है मेरे भाई, कोई डाउट तो नहीं है, बोलो, है ना। जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं बोलूं कि मैंने क्या किया, जैसे उसने मुझे, या मैं बोलूं कि उसने मुझे सूचना दी, या उसने मुझे बहुत सारी सूचनाएं दी, या उसने मुझे दो सूचना दी, ऐसे अगर मुझे बनाना है, या मैं बोलूं कि आज मेरे पास बहुत सारा काम है, तो मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं ऐसे बोलूं आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, तो सही है गलत है,
आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, ये बिल्कुल सही है। अगर मैं इसकी जगह पर ये बोल देता आई हैव अ पीस ऑफ, आई हैव अ वर्क टूडे, आई हैव अ वर्क, आई हैव एन अर्जेंट वर्क, ऐसे बोलता मैं, आई हैव एन अर्जेंट वर्क, आई हैव एन अर्जेंट वर्क, तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि वर्क के साथ डायरेक्ट ए या एन या ऐसा कुछ भी नंबर नहीं लगा सकते। ये जो मैंने लगाया ना, ये किसके लिए लगाया, पीस के लिए लगाया मैंने, ठीक है। तो वर्क का सिंगुलर या प्लूरल बनाना तो पीस लगा के बना सकते हो। अगर मैं बोलूँ मेरे पास दो इंपॉर्टेंट काम है या दो अर्जेंट काम है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव टू, ऐसे बोलूंगा, आई हैव टू, आई हैव, एन की जगह क्या हो जाएगा, टू, आई हैव टू अर्जेंट, पीस को क्या कर दूंगा, पीसिस, क्योंकि इसको तो प्लूरल बना सकते हैं ना, पीसिस ऑफ, लेकिन वर्क का क्या रहेगा, वर्क, इसको चेंज नहीं कर सकते। ये आपका करेक्ट है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए भी पीस लगाते हैं, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, टू पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन, थ्री पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन, ठीक है। आगे बढ़ो, थ्री समन्स हैव बीन इश्यूड बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तीन समन्स इशू कर दिए हैं। समन्स का मतलब क्या होता है, कोर्ट जब आदेश जारी करता है कि आपको कोर्ट में हाजिर होना है, उसको समन्स कहते हैं। बट ही इज नॉट टर्न अप येट, लेकिन वो अभी तक हाजिर नहीं हुआ, टर्न अप का मतलब हाजिर होना, लेकिन वो अभी तक हाजिर नहीं हुआ है। कॉन्सेप्ट देखो क्या है, देर आर सम नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं विच लुक प्लूरल बट आर सिंगुलर। अब इससे पहले आपने पढ़ा था कुछ देर पहले कि जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन प्लूरल होते हैं, जैसे फॉक, पीपल, पीजेंट्री, जेंट्री, याद है, दिखने में सिंगुलर थे लेकिन थे प्लूरल। अब इनके साथ क्या है कि दिखने में प्लूरल होंगे, यानी कि लास्ट में क्या दिख रहा होगा, एस या ईएस, लेकिन बट एक्चुअल में क्या होगा, सिंगुलर होगा, एक्चुअल में क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। इसमें से समन्स को अलग कर दो, बाकी देखो, न्यूज देखने में क्या है, प्लूरल है, एस आ रहा है, लेकिन क्या ये प्लूरल है, सिंगुलर है, न्यूज क्या है, सिंगुलर है हमेशा। ऐसे इनिंग्स, इनिंग्स क्या है, सिंगुलर है। पॉलिटिक्स क्या है, सिंगुलर है। इकोनॉमिक्स क्या है, सिंगुलर है। एथिक्स क्या है, सिंगुलर है। सिविक्स, स्टेटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, मम्स, ये बीमारियां हैं, मम्स, मेजल्स, रिकेट्स, शिंगल्स, रेबीज, डायबिटीज, ये सारी क्या है, बीमारियां हैं। तो बीमारियों के नाम ही तो है ये ना, लास्ट में ऐसा आ रहा है तो उससे क्या हो गया, प्लूरल बन गया ये। अब जैसे मान लो किसी व्यक्ति का नाम ही है जॉन्स, किसी व्यक्ति का नाम ही है जॉन्स, तो उसके नाम में अगर एस आ रहा है लास्ट में, तो क्या वो प्लूरल हो गया। अरे भाई, नाम ही तो है, ये बीमारी के नाम ही तो हैं, तो नाम में एस आ जाने से वो नाम प्लूरल थोड़ी हो जाएगा, हाँ कि ना, मेरी बात समझ में आ रही है। तो बीमारियों के नाम है, सिंगुलर है ये। ऐसी एथलेटिक्स, ये गेम है, एथलेटिक्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, डोमिनोज, ये सारे क्या है, गेम्स के नाम है, तो गेम्स के नाम ही तो हैं। क्या गेम के नाम के लास्ट में एस लगा दूंगा तो क्या प्लूरल बन जाएगा, नहीं ना। तो सारे के सारे दिखने में प्लूरल है लेकिन एक्चुअल में क्या है, सिंगुलर है, एक्चुअल में क्या है, सिंगुलर है। ये जो इनिंग्स है ना, इसके अंदर इनिंग्स, इनिंग्स के बारे में ध्यान रखना, इनिंग्स के बारे में एक चीज बता देता हूँ कि यही अपने आप में सिंगुलर है और यही अपने आप में प्लूरल है, कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर एक इनिंग खेली गई है तो क्या बोलूंगा, वन इनिंग्स, क्या बोलूंगा, वन इनिंग्स। और अगर दोनों इनिंग्स खेली जा चुकी है, दोनों पारियां, तो क्या बोलूंगा, टू इनिंग्स, क्या बोलूंगा, टू इनिंग्स। अब भी ये इनिंग्स ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, समझ गए। इनिंग्स अपने आप में सिंगुलर भी है और अपने आप में प्लूरल भी है, इसकी फॉर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, ये इनिंग्स ही रहेगा। डिपेंड करता है कि अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगा, जैसे कि द फर्स्ट इनिंग्स हैज बीन प्लेड, क्योंकि एक ही इनिंग्स की बात हो रही है, क्या हो जाएगा, द फर्स्ट इनिंग्स, द फर्स्ट इनिंग्स हैज बीन प्लेड। अब यहां पर देखो, मैं एक ही इनिंग्स की बात कर रहा हूं ना, लेकिन रहेगा ये इनिंग्स ही, एक ही की तो बात कर रहा हूं पहले वाले की, और सिंगुलर वर्ब आ गया क्योंकि मुझे पता है सिंगुलर है, मुझे पता क्या है, सिंगुलर है। अगर मैं बोलूं दोनों, तो क्या बोलूंगा, बोथ द इनिंग्स, क्या बोलूंगा, बोथ द इनिंग्स। अब भी ये इनिंग्स ही रहेगा, चाहे एक हो चाहे दो, लेकिन अब हैज की जगह पे क्या आ जाएगा, हैव, क्योंकि मैं दोनों इनिंग्स की बात कर रहा हूं, तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा, हैव, ठीक है, हैव बीन प्लेड। समझ गए इनिंग्स के बारे में, समझ गए। अब इसी में समन्स के बारे में देखो, समन्स के बारे में यहां पर लिख देता हूं। देखो समन्स जो है ना, समन्स मैंने क्या बताया, देखने में क्या है, सारे के सारे ये प्लूरल है, बट एक्चुअल में क्या है, सिंगुलर है। समन्स क्या है, सिंगुलर है, ये तो आपको पता ही है, अभी मैंने आपको बताया है कि देखने में प्लूरल लेकिन सिंगुलर है, लेकिन इसका प्लूरल भी अलग से बनता है। अगर आप कर दोगे इसमें समन्सेस, क्या कर दोगे, समन्सेस, ईएस जोड़ दो आप लास्ट में, तो ये इसका प्लूरल बन जाता है। तो समन्स के बारे में याद रखना कि समन्स सिंगुलर है और समन्सेस क्या है, प्लूरल है, समन्सेस क्या है, प्लूरल है। एरर बता पाओगे ऊपर वाले में, एरर बता दोगे क्या है, देखो थ्री
तो थ्री समन्स होगा, समन्सेस होगा, क्योंकि तीन है ना, तो क्या होगा समन्सेस, क्या होगा समन्सेस, ठीक है, थ्री समन्सेस। तो एरर जो है ए पार्ट में है, थ्री समन्सेस, थ्री समन्सेस। बाकी जितने भी हैं इनिंग्स और समन्स को छोड़ के, इनिंग्स और समन्स को छोड़ के बाकी जितने भी हैं वो सारे दिखने में प्लूरल है बट एक्चुअल में क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। जैसे आप ये नहीं बोल सकते कि मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट, नहीं, मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है। या आप ये नहीं बोल सकते कि रेबीज आर नॉट अ डेंजरस डिजीज, आप ये नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, रेबीज इज नॉट अ डेंजरस डिजीज, इस तरीके से बोलोगे। आप ये नहीं बोल सकते कि बिलियर्ड्स आर प्लेड बाय वुमेन या बिलियर्ड्स आर प्लेड बाय मेन, बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय मेन, इज लगाओगे क्योंकि सिंगुलर है सारे के सारे, सारे के सारे क्या है, सिंगुलर है, याद रख लोगे, हाँ कि ना। अरे समझ में आ रहा है, बिल्कुल डिटेल में अगर पढ़ना चाह रहे हो ना उसको नाउन को, ठीक है। तो इसी चैनल पे मैंने 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इस तरीके से मैंने जो है ना एक सीरीज चला रखी है, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्रामर, उसके अंदर आप देखना लेक्चर थ्री जो है ना उसमें मैंने पूरा नाउन पढ़ा रखा है, तो वहां पर मैंने इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो जाते जाते कॉमेंट जरूर छोड़ के जाना, मुझे इससे पता लग जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। सेशन अगर अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक कर सकते हो, अच्छा नहीं लगेगा तो मत करना लाइक, ठीक है। लेकिन कमेंट छोड़ के जाना, अच्छा लगे तो भी, ना लगे तो भी बता के जाना कि कैसा लगा। क्या लिखा है देखो, आर्टिकल ए एन इज नॉट यूज्ड बिफोर दीज नाउन्स, इन नाउन्स के पहले आप ए या एन नहीं लगा सकते, ए या एन नहीं लगा सकते टू मेक देम सिंगुलर, इनको सिंगुलर बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सिंगुलर है, जो ऑलरेडी सिंगुलर उनके पहले ए या एन मत लगाकर सिंगुलर बनाने की कोशिश मत करना। एंड एस या ई एस, एस या ई एस इज नॉट यूज टू द एंड टू मेक दम प्लूरल, इनके लास्ट में एस ई एस भी एड नहीं करना इनको प्लूरल बनाने के लिए, क्योंकि प्लूरल तो है ही नहीं, ये है ही सिंगुलर, और सिंगुलर की तरह ही यूज होते हैं, इनका प्लूरल बनाया ही नहीं जा सकता, तो जब प्लूरल बनाया ही नहीं जा सकता तो एस ई एस कैसे ऐड कर देंगे भाई। बीमारी का नाम तो सिंगुलर ही होता है, चाहे एक इंसान को डायबिटीज हो चाहे दो इंसान को डायबिटीज हो, है तो वो डायबिटीज ही, दो डायबिटीज थोड़ी हो गई वो, तो इनके लास्ट में एस ई एस ऐड मत करना और इनके पहले ए या एन मत लगाना समन्स और इनिंग्स को छोड़कर, ठीक है। आगे बढ़े, देर इज नो मनी इन द बैंक इन राजेश एंड रीनास जॉइंट अकाउंट, ठीक है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट जो आ रहा है ना वो आ रहा है अपोस्ट्रोफे का, अपोस्ट्रोफे एस का कॉन्सेप्ट यहां पर आ रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से समझना, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। दो तरह के पोजेशन होते हैं, एक होता है सेपरेट पोजेशन, एक होता है सेपरेट पोजेशन, एक होता है जॉइंट पोजेशन, ठीक है। ये जो होता है ना अपोस्ट्रोफे या अपोस्ट्रोफे एस, ये हम कब लगाते हैं, इसकी हिंदी क्या होती है, का के की, क्या होती है, का के की, ये हम कब लगाते हैं, पोजेशन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए। जैसे मैं बोलता हूं गोपाल्स फादर, क्या बोलता हूं मैं, गोपाल्स फादर, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ गोपाल के पापा, गोपाल के पापा, यानी कि मैंने जो गोपाल में अपोस्ट्रोफे एस लगाया इसकी मदद से मैंने क्या बताया कि भाई फादर किसके हैं, गोपाल के, यानी कि अपोस्ट्रोफे एस लगाया मैंने का के की सेंस में पोजेशन को दिखाने के लिए। तो पोजेशन दो तरीके का होता है, एक होता है सेपरेट पोजेशन, सेपरेट पोजेशन का क्या मतलब हुआ, मान के चलो दो लड़के हैं, दोनों दोस्त हैं, गोपाल और राकेश, दोनों दोस्त है गोपाल और राकेश, गोपाल और राकेश, और ये दो लड़के हैं, दोनों दोस्त हैं, और दोनों के जो पापा हैं वो अलग अलग होंगे, यानी कि पापा पे जो पोजेशन है दोनों का अलग अलग है, इसको बोलते हैं सेपरेट पोजेशन। राकेश के पापा अलग होंगे, गोपाल के पापा अलग होंगे, मेरी बात समझ में आ रही है, राकेश के पापा अलग, गोपाल के पापा अलग, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो उसको हमने बोला सेपरेट पोजेशन। एक होता है जॉइंट पोजेशन, जैसे मान के चलो गोपाल गोपाल हो गया और आपका हो गया मान के चलो अरुण, गोपाल और अरुण ये दोनों भाई हैं, गोपाल और अरुण दोनों क्या हैं, भाई हैं, और इन दोनों के जो पापा होंगे वो एक ही होंगे अब, तो यानी कि पापा पर जो अधिकार है दोनों का, जो पोजेशन है दोनों का, वो सेपरेट है कि जॉइंट है, वो जॉइंट है। तो जब आपको सेपरेट पोजेशन दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों या तीनों, अगर तीन है तो तीन नाउन, दो है तो दो नाउन, या चार है तो चार नाउन, सबके साथ अलग अलग आपको अपोस्ट्रोफे लगाना है। जैसे मैंने क्या बोला, राकेश, राकेशेस एंड गोपाल्स, राकेशेस एंड गोपाल्स फादर्स, फादर्स क्योंकि दोनों के अलग अलग पापा है ना, राकेशेस एंड गोपाल्स फादर। तो सेपरेट पोजेशन के लिए क्या करना है, जितने भी नाउन दिए गए होंगे जिनका पोजेशन आपको दिखाना है उन सब के साथ अपोस्ट्रोफे लगाना है। लेकिन जॉइंट पोजेशन में क्या होता है, अगर दोनों के एक ही हैं पिताजी, या दोनों की कोई एक ही चीज है,
या दोनों का एक ही घर है, कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो जो आपका अपोस्ट्रोफी आता है वो केवल सेकंड वाले के साथ आता है, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला, अरुण और गोपाल के पापा एक ही हैं, तो मैं क्या बोलूंगा, अरुण, इसमें नहीं लगाना आपको, अरुण एंड सेकंड वाला क्या है, गोपाल, जो लास्ट वाला होता है, यहां पर दो ही है तो सेकंड वाला ही लास्ट हो गया, अब यहां पर लग जाएगा गोपाल्स, और अब एक ही बार आएगा फादर, प्लूरल नहीं आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर, क्योंकि दोनों के पापा एक ही है, ठीक है, समझ में आया। सेपरेट पोजेशन का मतलब जब दोनों का अलग अलग अधिकार हो, या तीन हो, तीनों का अलग अलग अधिकार हो, जैसे मान लो तीन लड़के होते हैं, राकेश, गोपाल और अरुण, तीन अलग अलग है, मान लो तीनों दोस्त हैं और तीनों के पापा अलग अलग, तो क्या हो जाता, राकेशेज, ऐसे हो जाता ना कॉमा लगा के, ऐसे हो जाता, राकेशेज, गोपाल्स एंड अरुण्स, तीनों के साथ अपना अपना आता अलग अलग, और यहां पर क्या आ जाता, फादर्स, क्या आ जाता, फादर्स, ठीक है। और अगर मान लो तीनों भाई होते तो क्या हो जाता, राकेश, गोपाल, दोनों में नहीं लगता, राकेश, गोपाल एंड अरुण्स, केवल इसके साथ लगता है, यानी कि केवल लास्ट वाले के साथ लगता है जब जॉइंट पोजेशन आपको दिखाना हो। मेरी बात को समझ गए, हाँ कि ना, क्लियर है। देखो, देर इज नो मनी इन द बैंक इन राजेश एंड रीनास ज्वाइंट अकाउंट, यानी कि राजेश और रीना का ज्वाइंट अकाउंट है, तो जब मैं यहां पर खुद ही बोल रहा हूं कि ज्वाइंट अकाउंट है, मतलब उस अकाउंट पे दोनों का अधिकार है, यानी कि ज्वाइंट पोजीशन की बात हो रही है, तो जब ज्वाइंट पोजीशन की बात होती है तो दोनों के साथ अलग अलग अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना, केवल सेकंड वाले के साथ या जो लास्ट वाला है, तो यही लास्ट है इसका, इसके साथ लगाना है, तो यहां पर अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, ठीक है, ऐसे आपको दिखेगा नहीं, यहां पर अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, राजेश एंड रीनास, राजेश एंड रीनास, राजेश एंड रीनास, ठीक है। द लॉयर डिड्यूस्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एविडेंसेस, अभी बताया था, देखो यहां पर कुछ ऐसे मैंने नाउन लिखवाए थे, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन लिखवाए थे, कहां गया, कहां गया, इसमें देखो एविडेंस भी था, था इसमें एविडेंस कि नहीं था, होना चाहिए, ढूंढो, ये रहा एविडेंस, है ना, क्या था ये, ये क्या था कि सारे के सारे जो है अपने आप में क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल होते हैं, इनके साथ में एस एस नहीं लगाना, ए एन या वन टू थ्री नहीं लगाना, बताया था ना, तो यहां पर दे रखा, देखो क्या, यहां पर क्या दे रखा, एविडेंसेस, तो एस या एस नहीं लगाना, गलत है ये, सही क्या होगा, एविडेंस, क्या होगा, एविडेंस, ठीक है, किस वाले पार्ट में एरर है, इस वाले पार्ट में एरर है, आगे बढ़ो। If a student needs advices, पता लग गया error? अभी बताया था ना, उसी में आया था, furniture advice category में आया था, इनका plural नहीं बनता, SES नहीं add करते, तो advices नहीं होगा, क्या होगा, advice। अब अगर आप बोलो कि सर उसने मुझे एक सलाह दी, तो क्या बोलेंगे, a advice बोल सकते हैं या an advice बोल सकते हैं, नहीं, direct a या n तो वैसे भी नहीं आ सकता, uncountable है, हाँ कि ना, क्या बोलोगे, a piece of advice, अगर दो सलाह दी तो two pieces of advice, advice का advice ही रहेगा, ठीक है। The scissors which are on the table belongs to Radha. The scissors which are on the table belong, दो बार लिख दिए हैं, अच्छा ये बताना कि किस पार्ट में एरर है, ठीक है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। There are some nouns which are always used as plural. कुछ ऐसे नाउन होते हैं, इस टेबल के अंदर मैंने कुछ ऐसे नाउन्स लिखे हैं जो हमेशा प्लूरल होंगे, मतलब आप इनको सिंगुलर की तरह यूज नहीं कर सकते, इनके साथ में सिंगुलर वर्ब नहीं लगा सकते, इनके लास्ट में से एस या ई एस को हटाकर इनको सिंगुलर नहीं बना सकते, हिमाकत ऐसी मत करना, ठीक है, मेरी बात समझ में आई, ये दिखने में भी प्लूरल है भी प्लूरल, और आप इनका सिंगुलर नहीं बना सकते, जैसे बाइनोक्यूलर्स, पिंसर्स, शीयर्स, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, डिवाइडर्स, पैंट्स, टोंग्स, गॉगल्स, बिलोज, सीजर्स, फोर्सेप्स, पजामाज, शूज, प्लायर्स, ट्राउजर्स, फैंग्स, गिलोज, ये जितने भी मैंने अंडरलाइन किए ना सारे के सारे, ये सारे ऐसे नाउन्स हैं जो आप हमेशा देखना जोड़े में पाए जाते हैं, हमेशा जोड़े में, पेयर में पाए जाते हैं, जैसे बाइनोक्यूलर्स हमेशा जोड़े में होता है, एक हिस्सा दो हिस्सा, दो हिस्सों को मिलाकर एक बनता है ना, ऐसे बहुत सारे नाउन होते हैं जो हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, यानी कि दो हिस्सों को मिलाकर एक बनता है, दो हिस्सों को मिलाकर एक बनता है, ठीक है। ऐसी मैंने बोला पिंसर्स, यानी कि चिमटी, ऐसी बोला शीयर्स, जो बड़ी वाली कैंची होती है जो घास वास काटते हैं, तो दो हिस्सों से मिलाकर एक बन रहा है वो, ग्लासेस जो मैंने पहन रखे हैं, दो हिस्सों को मिलाकर एक बन रहा है ना, डिवाइडर्स जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होता था इस तरीके से, दो हिस्सों को मिलाकर होता था, आज तक उसका यूज नहीं पता, पैंट्स दो हिस्सों को मिलाकर एक बनता है, ऐसी टोंग्स, गॉगल्स, बिलोज, सीजर्स दो हिस्सों को मिलाकर बनता है, फोर्सेप्स, पजामाज, शूज, प्लायर्स यानी कि पिलास, दो हिस्सों को मिलाकर एक बनता है, ट्राउजर्स, फैंग्स, गिलोज, ये सारी वो चीजें हैं जो दो हिस्सों को मिलाकर एक बनती हैं,
यानी कि सारी पेयर वाली चीजें होती हैं। तो जो पेयर वाली हैं वो तो वैसे भी प्लूरल है, आप उनको सिंगुलर तो बना ही नहीं सकते क्योंकि दो हिस्सों को मिलाकर बन रही है ना। तो इसमें से कभी भी एस या ई एस हटाने की गलती मत करना, एस या ई एस हटाने की गलती मत करना, और ना इनके पहले ए लगाना, ना एन लगाना, ना वन लगाना, ना टू लगाना, ना थ्री लगाना। फिर आप कहोगे सर जी फिर कैसे बनाएंगे, अगर मुझे ये दुकान पे जाके बोलना हो, मुझे अगर दुकान पे जाके बोलना हो कि अंकल मुझे एक पैंट चाहिए, तो हिंदी में तो हम बोलते ना मुझे अंकल एक पैंट चाहिए, है ना। या मुझे दुकान पे जाके बोलना हो कि अंकल मुझे क्या चाहिए, मुझे ना गॉगल्स चाहिए, मुझे क्या चाहिए गॉगल्स चाहिए, तो दुकान पे जाके सीधा बोलते हैं अंकल मुझे एक गॉगल चाहिए। दुकान पे तो गॉगल बोल दे रहे हो, लेकिन जब आप इंग्लिश में यूज करोगे ना ग्रामेटिकली, जब आप ग्रामेटिकली आओगे तो गॉगल्स का गॉगल नहीं कर सकते आप, गॉगल्स ही रहेगा। इंग्लिश में कैसे बोलोगे अगर आपको दुकान पे जाके बोलना अंकल मुझे एक चश्मा चाहिए, क्या बोलोगे, अंकल आई वॉन्ट टू बाय अ गॉगल्स, गलत है क्योंकि अ तो आ नहीं सकता प्लूरल है, आई वॉन्ट टू बाय अ गॉगल नहीं बोल सकते, गलत हो जाएगा क्योंकि गॉगल्स का गॉगल नहीं कर सकते। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ये तो बोल नहीं सकते आई वॉन्ट टू बाय अ गॉगल, बोल सकते हो क्या, नहीं बोल सकते क्योंकि गॉगल नहीं हो सकता, ठीक है। आप ये बोल सकते हो क्या, आई वॉन्ट टू बाय अ गॉगल्स, चलो सर जी हमने गॉगल्स को गॉगल्स रहने दिया, लेकिन तो फिर भी ये तो वैसे भी गलत हो गया, फिर अगर गॉगल्स है तो अ कैसे आ रहा है, फिर बोले क्या। तो जितनी भी पेयर वाली चीजें होती हैं, जोड़े वाली चीजें होती हैं, उनका सिंगुलर बनाना है या प्लूरल बनाना है, उसके लिए आपको यूज करना है पेयर ऑफ, क्या यूज करना है पेयर ऑफ, ये आपको यूज करना है। अगर एक चाहते हो तो क्या बोलो, अ पेयर ऑफ। अब आप क्या बोलोगे, आई वॉन्ट टू बाय अ पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ, और गॉगल्स का गॉगल्स ही रहेगा, गॉगल नहीं होगा, हमेशा गॉगल्स रहेगा। अब ये बिल्कुल आपने बोली ना करेक्ट बात, अब अंकल आपको दे देंगे, आई वॉन्ट टू बाय अ पेयर ऑफ गॉगल्स, अ पेयर ऑफ गॉगल्स, ये करेक्ट इंग्लिश है, यानी कि एक चश्मा, ये पूरा एक चश्मा, आई वॉन्ट टू बाय अ पेयर ऑफ गॉगल्स, दो खरीदने मुझे, एक अपने लिए एक भाई के लिए, तो अ की जगह क्या बोल दूंगा टू, पेयर की जगह पर पेयर्स, टू पेयर्स ऑफ, और ये गॉगल्स का गॉगल्स ही रहेगा, चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, डजंट मैटर। अब बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ऐसी और भी बहुत सारे हैं भाई पेयर वाले, जैसे पैंट है, दुकान पर जाके क्या बोलोगे, अंकल आई वॉन्ट टू बाय अ पैंट, गलत है, अ पैंट, पैंट तो वैसे भी नहीं होगा, तो अंकल आई वॉन्ट टू बाय अ पैंट्स, सर पैंट्स का पैंट्स रखा हमने, लेकिन अ तो नहीं आएगा उसके साथ, डायरेक्ट अ तो नहीं आएगा, क्या बोलोगे, आई वॉन्ट टू बाय अ पेयर ऑफ पैंट्स, अ पेयर ऑफ पैंट्स, दो खरीदना है तो टू पेयर ऑफ पैंट्स, टू पेयर ऑफ पैंट्स, समझ गए। तो उसके लिए आपको यूज करना है पेयर ऑफ, क्या यूज करना है पेयर ऑफ, ठीक है। सिंगुलर बनाना है तो अ पेयर ऑफ, प्लूरल बनाना है तो टू पेयर ऑफ, थ्री पेयर ऑफ, मेनी पेयर ऑफ, सम पेयर ऑफ, अ फ्यू पेयर ऑफ, ठीक है, इज दैट क्लियर, पेयर वाली चीजों के लिए। और बाकी जो चीजें हैं वो तो ऐसी हैं कि वो अपने आप में प्लूरल है, उनका सिंगुलर आप नहीं बना सकते, जैसे इनका नहीं बना सकते वैसे इनका नहीं बना सकते। आल्म्स का मतलब क्या होता है, भीख, ये आल्मसी होता, आल्म नहीं होता कभी, आप ये नहीं बोलोगे मैंने एक भीख दी, ना मैंने भीख दी, आई गेव हिम आल्म्स, ठीक है। क्लोथ्स यानी कपड़े, अगर आप इसकी जगह पर कर दोगे क्लॉथ, क्या कर दोगे, अगर आप ई एस को हटाकर कर दोगे क्लॉथ, तो क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा, कोई भी नॉर्मल जो कपड़े का टुकड़ा होता है उसको बोलते हैं क्लॉथ, जैसे टेबल पे जो कपड़ा बिछाते हैं उसे क्या बोलते हैं, टेबल क्लॉथ, या कोई भी फटा पुराना कपड़ा, कहीं भी कपड़े का कोई टुकड़ा पड़ा उसे क्या बोलते हैं, क्लॉथ। तो पूरी मीनिंग ही चेंज हो जाएगी, इसलिए क्लोथ्स को क्लोथ रहने देना, क्लोथ्स को क्लोथ मत करना। एरियर्स का मतलब होता है बकाया राशि, अमेंट्स का मतलब क्या होता है, क्षतिपूर्ति करने के लिए जो पैसा दिया जाता है, जो राशि दी जाती है उसको बोलते हैं अमेंट्स। आर्किव्स, लॉजिंग्स, वेजेस अभी बताया था, पार्टिकुलर्स, प्रोसीड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम किसी को ये थोड़ी बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं होता, गलत होता है। रिगार्ड्स, रिचेज, रिचेज का मतलब क्या होता है, रिचेज का मतलब धन संपत्ति, रिचेज का मतलब क्या होता है, धन संपत्ति। अब आप कहोगे सर इसमें से एस को हटा देते हैं, ई एस को, क्या करते हैं रिच, तो रिच का मतलब क्या होता है, अमीर, ये तो एडजेक्टिव बन गया, पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया, रिचेज एक नाउन है लेकिन रिच एक एडजेक्टिव है, ही इज अ रिच मैन, यानी कि वो एक अमीर आदमी है, तो अमीर अलग होता है और संपत्ति अलग चीज होता है, इसलिए इसमें से ई एस को नहीं हटा सकते। ऐसी रिमेन्स, रिमेन्स का मतलब क्या होता है, रिमेन्स का मतलब अवशेष होता है, क्या होता है, अवशेष या अस्थियां, अवशेष का मतलब जो बचा खुचा हिस्सा होता है ना, अवशेष या फिर कह सकते हो अस्थियां, क्या बोल सकते हो, अस्थियां, ठीक है। सेविंग्स का मतलब बचत, टाइडिंग्स का मतलब क्या होता है, टाइडिंग्स का मतलब भी क्या होता है, टाइडिंग्स का मतलब प्रॉफिट भी होता है, लाभ भी होता है, ठीक है, संपत्ति भी होता है। सराउंडिंग्स का मतलब आसपास की जो चीजें उसको बोलते हैं सराउंडिंग्स, तो सराउंडिंग नहीं होता, सराउंडिंग्स होता है। थैंक्स, वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल्स का मतलब कीमती सामान, वैल्यूएबल्स का मतलब कीमती सामान। ऐसी अगर आप इसमें से क्या करते हो, ई एस को हटा देते हो या एस को हटा देते हो, आप करते हो वैल्यूएबल, तो जो वैल्यूएबल है ना
ये अपने आप में क्या है, कीमती, ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है, अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है, यानी कि इसके बाद आपको अलग से एक नाउन लगाना पड़ेगा, जैसे कि वैल्यूएबल आइटम, वैल्यूएबल फोन, वैल्यूएबल थिंग, अलग से नाउन लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वैल्यूएबल्स बोल रहे हो तो आपको अलग से नाउन नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि वो खुद ही नाउन है। तो वैल्यूएबल्स का मतलब सारी कीमती चीजें जितनी भी हैं। बिलोंगिंग्स का मतलब किसी से संबंधित जितना भी सामान है, जैसे हिज बिलोंगिंग्स, यानी कि उसका सारा सामान, उससे जो संबंधित चीजें सारी की सारी। मूवेबल्स का मतलब ऐसी वो चीजें जो मूव कर सकती हैं। गुड्स का मतलब सामान, आउटस्कर्ट्स का मतलब जो बाहरी हिस्सा होता है शहर का, और रियून्स का मतलब वही होता है जो किसी इमारत की या बिल्डिंग की जो टूटी फूटी अवशेष बच जाती है उसको बोलते हैं रियून्स। क्या बोलते हैं? रियून्स। पबजी में खूब सुना होगा आपने। तो इसमें आप क्या समझे कि दिखने में सारे के सारे क्या है, प्लूरल है, और ये है भी प्लूरल, दिखने में भी प्लूरल है और है भी प्लूरल। इनको आप सिंगुलर नहीं बना सकते, मतलब इनमें आप एस या इसको हटा नहीं सकते इनमें से, या इनके साथ आप ए या एन नहीं जोड़ सकते, ठीक है, या वन टू थ्री नहीं जोड़ सकते, समझ में आया। और इनके साथ में जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल। क्या आएगा? प्लूरल। द सीजर्स, तो सीजर्स क्या है, देखो पैर वाली चीज है, सीजर्स क्या है, पैर वाली चीज है, तो पहली चीज तो ठीक है सीजर्स है, अगर यहां पर सीजर होता तो गलत हो जाता, सीजर्स होगा। द सीजर्स विच आर, देखो वर्ब भी प्लूरल है, यानी कि यहां तक भी कहानी ठीक चल रही है क्योंकि प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल। ऑन द टेबल, बिलोंग टू राधा, मतलब वो राधा से बिलोंग करता है, तो जो बिलोंग है, जो वर्ब है, सीजर के लिए लगा है, तो अगर सीजर प्लूरल है तो आपका वर्ब भी तो प्लूरल होगा, हाँ कि ना। अगर सीजर प्लूरल है यानी कि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, लेकिन ये तो सिंगुलर है, कैसे पता लग रहा सिंगुलर है, एस ई एस आ रहा है, अभी बताया था ना कि जब वर्ब में एस ई एस लगा देते हो तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो क्या है ये, गलत है, क्या है ये, गलत है, इसकी जगह पर क्या होगा, बिलोंग, क्या होगा, बिलोंग, ये आपका करेक्ट है, क्योंकि जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल, यानी कि बिलोंग्स की जगह पर क्या हो जाएगा, बिलोंग, क्या हो जाएगा, बिलोंग, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको, आगे बढ़े। चलो अब कुछ क्वेश्चंस हैं, आ जाओ। वर्मिन डज मच हार्म टू क्रॉप्स, अभी आपने पढ़ा था, याद करो वर्मिन कहां पढ़ा था, पीजेंट्री, पोल्ट्री, फॉक, पीपल, ये ऐसे नाउन जो दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन होते क्या है, प्लूरल, उसी में लिखा था वर्मिन, जाके देख लेना दोबारा, देखना है, डाउट कर रहे हो, रुको अभी बताता हूं तुम्हें, हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम लोग मेरे पर शक कर रहे हो, कहां गए रे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अभी ठीक करके देता हूं। ये रहा, आ जाओ, देखो लिखा है वर्मिन, ये रहा, दिखने में सिंगुलर लेकिन होता क्या है, प्लूरल, तो वर्ब भी तो प्लूरल आएगा इनके साथ में, अगर प्लूरल है तो, हाँ कि ना, कहाँ गया, तो वर्मिन डज या वर्मिन डू, डज आता है सिंगुलर के साथ, यहां पर क्या आ जाएगा, डू, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है। ऑल द फर्नीचर्स, पता लग गया, फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा, क्या होगा, फर्नीचर, यानी कि पार्ट ए में एरर है, यहां पर क्या आ जाएगा, फर्नीचर। फॉर अ फुल वीक शी एंजॉयड द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ बिग सिस्टर, मतलब एक बड़ी बहन होने का उसने पूरा फायदा उठाया। तो बिग का मतलब होता है साइज में बड़ा, बड़ी बहन या बड़े भाई को बिग नहीं बोलते, एल्डर बोलते हैं, ये गलत है, अ बिग सिस्टर नहीं, एन एल्डर सिस्टर, एन एल्डर सिस्टर, बड़ी को बोलते हैं एल्डर, एल्डर सिस्टर, एल्डर ब्रदर, बिग का मतलब तो साइज में बड़ा होता है ना। इफ यू आर इन द रॉन्ग गियर्स द कार वोंट बी एबल टू क्लाइम द हिल, अगर आप गलत गियर में हो तो आपकी गाड़ी जो है वो हिल पे चढ़ेगी नहीं। भैया एक बार में जो गाड़ी है वो कितने गियर में हो सकती है, एक बार में तो एक ही गियर में होती है, या तो गियर वन पे होगी या गियर टू पे या गियर थ्री पे, एक बार में जो गाड़ी है वो एक ही गियर में होती है, इसलिए गियर्स नहीं होता कभी, क्या होता है, गियर, क्या होता है, गियर। अगर तुम गलत गियर में हो तो एक बार में गाड़ी एक ही गियर में हो सकती है ना। रिसेंटली आई विजिटेड केरला एंड फाउंड द सीनरीज, बताया था उसी में, लगेज, बैगेज, सीनरी, फर्नीचर, याद है कि ये कभी भी प्लूरल नहीं बनते, तो यहां पर सीनरीज नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, सीनरी, क्या होगा, सीनरी। डिड यू हियर मैनी न्यूज, अभी बताया था न्यूज, न्यूज के पहले ए या एन नहीं लगाना, वन टू थ्री मत लगाना, डायरेक्ट कोई ऐसा एडजेक्टिव मत लगा देना जो इसको प्लूरल बना दे, है ना, क्योंकि दिखने में प्लूरल है लेकिन है क्या, सिंगुलर है, क्या, सिंगुलर। तो मैनी की जगह पर क्या लगा दोगे, एनी, क्या लगा दोगे, एनी, अभी बताया था डिड यू हियर एनी न्यूज, तो इस वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। अ फाइव मैन इंक्वायरी कमेटी वॉज अपॉइंटेड, अ फाइव मैन इंक्वायरी कमेटी, अ फाइव मैन इंक्वायरी कमेटी, ये इंक्वायरी कमेटी जो है ना ये एक नाउन है मेरे भाई, इंक्वायरी कमेटी एक नाउन है, ठीक है, कमिटी बेसिकली एक नाउन है, और कमिटी कैसी है, कितने लोगों से बनी है, पांच लोगों से, यानी कि ये जो है ना फाइव मैन इंक्वायरिंग कमिटी, ये जो नाउन है
ये जो अ फाइव मैन लिखा हुआ है ये एक्चुअल में यहाँ पर किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अभी बताया था मैंने आपको। क्योंकि ये जो अ फाइव मैन है किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस कमिटी को क्वालिफाई कर रहा है कि कमिटी कितने लोगों की है? पांच लोगों की। तो कभी भी किसी एडजेक्टिव को क्या हम प्लूरल बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, बताया था। तो यहां पर अ फाइव मैन नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? अ फाइव मैन कमिटी। ठीक है, याद रखना एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर एक एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के बाद क्या हो? हाइफन, इसको बोलते हैं हाइफन। और यहां पर क्या हो? एक नाउन हो, यहां पर क्या हो? एक नाउन हो। ठीक है, एक एडजेक्टिव हो, यहां पर हाइफन हो और यहां पर नाउन हो, तो ये नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। ये नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। जैसे मैं बोलूं अ फाइव स्टार्स होटल, तो क्या गड़बड़ है इसमें? देखो ये एक एडजेक्टिव आ गया और ये एक नाउन आ गया और बीच में क्या आ गया? हाइफन। बीच में क्या आ गया? हाइफन। तो आप दो तरीके से समझो, एक तो डायरेक्ट याद रखो कि अगर हाइफन से पहले एडजेक्टिव है तो ये जो नाउन है क्या होगा? सिंगुलर होगा, यानी कि गलत है ये, फाइव स्टार्स नहीं होगा, फाइव स्टार। दूसरा तरीका क्या याद रखने का कि आपको पता है ये जो होटल है ये नाउन है और होटल कैसा है? फाइव स्टार, यानी कि ये जो शब्द है अब फाइव स्टार ये बेसिकली एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस होटल को, कि होटल कैसा है? फाइव स्टार। तो एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं बनता, इसलिए क्या हो जाएगा? अ फाइव स्टार। क्या हो जाएगा? अ फाइव स्टार हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है, अ फाइव स्टार। क्लियर? आई सॉ टू डियर्स, बताया था कि डियर का डियर्स कभी नहीं होता, डियर का क्या रहता है? डियर। क्या रहता है? डियर। ठीक है, डियर हो गया, शीप हो गया, बताया था फिश हो गया, ये सारे के सारे हमेशा इसी फॉर्म में रहते हैं, डियर। डियर का डियर होगा। द फर्स्ट इनिंग्स, कुछ याद आया? बताया था कि इनिंग कभी नहीं होता, इनिंग चाहे एक हो चाहे एक से ज्यादा हो, हमेशा क्या होता है? इनिंग्स। क्या होता है? इनिंग्स। सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, फटाफट से कर पा रहे हो। इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन अ 10 रुपीज नोट, देखो अ नोट ये तो हो गया आपका नाउन, ठीक है, नोट कितने का है? 10 रुपए का, यानी कि ये जो है ना आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव कभी प्लूरल नहीं होता, तो क्या हो जाएगा? अ 10 रुपी नोट, अ 10 रुपी नोट। ठीक है, ये आपका करेक्ट है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ो। शेक्सपियर हैज रिटन मेनी प्लेज, उसने कई सारे प्लेज लिखे हैं, एज वेल एज सम पोइट्रीज, कुछ याद आया? पोइट्री, सीनरी, फर्नीचर, लगेज, ज्वेलरी, ये कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं आते क्योंकि इनकी अपनी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, तो क्या होगा? पोइट्री। क्या होगा? पोइट्री। सब आई हुई चीज है। 85,000 रुपीज, 85,000 रुपीज इज अ लार्ज सम, कि जो 85,000 रुपीज है ना ये क्या है? एक बड़ा सम है। इज अ लार्ज सम, ये जो अ है इस सम के लिए आ रहा है और ये जो इज है ये भी सम के लिए आ रहा है, यानी कि सेंटेंस में क्या है? कोई एरर नहीं है। कई बच्चों को लगेगा कि यहां पर 85,000 रुपीज है तो यहां आर कर दो, ये जो आर है या जो हेल्पिंग वर्ब है वो इसके लिए नहीं आया, वो आया सम के लिए, कि जो 85,000 रुपए है एक बहुत बड़ा सम है, तो सम है यानी कि सम के साथ में हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो इज अ लार्ज सम। ठीक है, माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर, समझ में आया? देखो अ पेयर ऑफ तो ठीक लिखा है लेकिन बाइनोकुलर देखे गलती कर दिया, क्योंकि इनको कभी सिंगुलर नहीं बना सकते, जो पेयर वाली चीजें हैं वो प्लूरल में ही लिखी जाएंगी, बाइनोकुलर्स, ठीक है, नॉट बाइनोक्यूलर। अगला, यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, कुछ याद आया? इंफॉर्मेशन का, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन कभी नहीं होता, इंफॉर्मेशन ही रहेगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन। ऑन रिसीविंग द मार्कशीट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, जब यूनिवर्सिटी से मार्कशीट मिली, आई रियलाइज दैट आई हैड गॉट ओनली पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स एक गलत टर्म है, इसकी जगह पर क्या लिखोगे? पास मार्क्स। क्या लिखोगे? पास मार्क्स। भाई पासिंग मार्क्स क्या होता है? ऐसे मार्क्स जो कहीं से पास हो रहे हैं, मतलब गुजर रहे हैं, गुजरने वाले मार्क्स की बात नहीं हो रही है, ऐसे मार्क्स की बात हो रही है जिसकी वजह से मैं पास हो गया, मतलब मैं आगे निकल गया एग्जाम में या क्लास में, तो पास मार्क्स होता है, पासिंग मार्क्स नहीं होता। ठीक है, दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम, वो ऑडिटोरियम के गेट पर खड़े हैं क्योंकि देर इज नो प्लेस इन साइड, क्योंकि ऑडिटोरियम के अंदर जगह नहीं है, तो ऑडिटोरियम के अंदर जगह की बात हो रही है, मतलब स्पेस की बात हो रही है या रूम की बात हो रही है, प्लेस नहीं आएगा यहां पर। क्या बोलोगे? नो रूम। रूम का मतलब क्या होता है? रूम का मतलब होता है स्पेस। रूम का मतलब क्या होता है? स्पेस। जैसे इस रूम के अंदर बहुत सारे लोग हैं, मैं बोलूं भाई थोड़ा खिसक जा, जगह नहीं है, तो क्या उस जगह को मैं प्लेस बोलूंगा? नहीं, प्लेस अपने आप में एक बड़ी जगह को कहा जाता है, जैसे दिल्ली इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, पटना इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो प्लेस का मतलब एक स्थान। लेकिन अगर आप उसकी बात कर रहे हो, किसी मतलब स्पेस की बात कर रहे हो, तो उसको आप प्लेस नहीं कह सकते, उसको आप रूम कह सकते हो। तो क्या बोलोगे? रूम। क्या बोलोगे? रूम। देयर इज नो रूम, देयर इज नो रूम इनसाइड दैट हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स, ये क्या है?
सेंटेंस में देखो मटेरियल नाउन की तरह यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, ये जो स्टोन्स है सेंटेंस के अंदर मटेरियल नाउन की तरह यूज हुआ है। क्या लिखा है, वो जो घर है बना है किसका बना है, पत्थरों का, यानी कि ये जो स्टोन है इस सेंटेंस के अंदर मटेरियल नाउन का काम कर रहा है क्योंकि स्टोन की मदद से मकान बना है। तो किसी चीज की वजह से अगर कोई दूसरी चीज बने तो वो मटेरियल नाउन, तो सेंटेंस के अंदर जो स्टोन है ये मटेरियल नाउन है। तो मैंने क्या बताया था, मटेरियल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल क्या होता है, सिंगुलर होता है हमेशा। तो स्टोन्स नहीं होगा, क्या होगा, स्टोन, क्या होगा, स्टोन, ठीक है। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस, देखो क्राइटेरियन समझा देता हूं, क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, ऐसे लिखो यहां पर, क्राइटेरियन ये सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल होता है क्राइटेरिया, क्या होता है, क्राइटेरिया। तो आप क्राइटेरियन में एस नहीं जोड़ सकते क्योंकि इसका प्लूरल होता है अलग से क्राइटेरिया, तो क्राइटेरियंस नहीं होगा, क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया, क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया, ठीक है। ऐसे ही मैं बोलूं एजेंडम, क्या बोलूं, एजेंडम, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा, एजेंडा, क्या होगा, एजेंडा, ठीक है, आ रहा है समझ में। और ऐसे ही मैं बोलूं बैक्टीरियम, क्या बोलूं, बैक्टीरियम सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है बैक्टीरिया, क्या होता है, बैक्टीरिया, ये अपने आप में प्लूरल है, ठीक है, ठीक है, ये कुछ चीजें याद रखना, क्राइटेरियन क्राइटेरिया, एजेंडम एजेंडा, बैक्टीरियम बैक्टीरिया, ठीक है। एक और होता है एडेंडम या एजेंडम, करो एजेंडम लिख दिया ना मैंने, इसकी जगह पर आप करो ओसिस, प्लूरल क्या हो जाएगा, ओसिस, क्या हो जाएगा, ओसिस, ठीक है, ओसिस का ओसिस, ये कुछ चीजें याद रखो, ठीक है। बाकी मैं जब अभी नोट्स आपको दूंगा ना, क्लास नोट्स में आपको दूंगा, तो इसकी एक पूरी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। ये बेसिकली क्या होते हैं ना, फॉरेन वर्ड्स होते हैं, ये कुछ फॉरेन वर्ड्स होते हैं जिनका प्लूरल बिल्कुल अलग तरीके से बनता है, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, एजेंडम का एजेंडा, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया, फॉर्मुलाए का फॉर्मूला, फॉर्मूला का फॉर्मूलाए, बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी, ठीक है, एजेंडम का एजेंडा, एडेंडम का एडेंडा, बहुत सारी चीजें हैं, पोडियम, पोडियम का पोडिया, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं इसकी पूरी लिस्ट आपको दे दूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, फॉरेन वर्ड्स, मैं उसकी पूरी लिस्ट डाल दूंगा एप्लीकेशन पे, आपको पता है मिल जाती है सारी की सारी क्लास नोट्स, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, वहां पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। आई हैव मैनी वर्क्स, अभी मैंने आपको क्या बताया था, याद करो कि वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, हाँ कि ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसका कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा, वर्क का वर्क रहता है, तो ये गलत है, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, वर्क। और दूसरी गलती क्या है, डायरेक्ट इसके साथ में मैनी या अ या वन ऐसा कुछ नहीं जोड़ सकते, बताया था वर्क के साथ में क्या जोड़ते हैं, पीस ऑफ, तो सही फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, मैनी पीसेज ऑफ, क्या हो जाएगा, मैनी पीसेज, पीस का पीसेज तो हो सकता है ना, मैनी पीसेज ऑफ वर्क, वर्क का वर्क रहेगा, मैनी पीसेज ऑफ वर्क। द टेबल्स लेग्स, ध्यान रखना जो इनएनिमेट चीजें होती हैं, इनएनिमेट, इनएनिमेट थिंग्स, ठीक है, इनएनिमेट चीजों के साथ में अपोस्ट्रोफे एस या अपोस्ट्रोफे इज नॉट यूज्ड, इज नॉट यूज्ड, ठीक है, ये याद रखना। इनएनिमेट का मतलब क्या होता है भाई, इनएनिमेट का मतलब होता है निर्जीव, क्या होता है, निर्जीव, जो निर्जीव चीजें होती हैं उनके साथ में अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाते या अपोस्ट्रोफे नहीं लगाते। फिर आप कहोगे सर अगर मुझे का के की की सेंस चाहिए, मुझे बोलना हो टेबल की टांगे या पंखे की ब्लेड, तो क्या करेंगे सर, उसके लिए क्या करो, ऑफ लगाओ, जैसे यहां पर लिखा है टेबल्स लेग, क्या लिखा है, द टेबल्स लेग, तो ये गलत है, इसकी जगह पर क्या बोलो, लेग्स ऑफ, लेग्स ऑफ द टेबल, लेग्स ऑफ द टेबल, ऐसे बोलो आप, अपोस्ट्रोफे मत लगाओ, क्या बोलो, लेग्स ऑफ द टेबल, क्या बोलो, लेग्स ऑफ द टेबल। लेकिन कुछ ऐसी निर्जीव चीजें होती हैं जो अपने आप में क्या होती हैं, बहुत ज्यादा क्या कह सकते हो, बहुत ज्यादा यूनिक होती हैं या बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होती हैं, जैसे सूरज, चंद्रमा, प्रकृति, धरती, है ना, या फिर कह सकते हो ग्रेविटी, ये कुछ ऐसी चीजें होती है जो यूनिक चीजें होती हैं, इनके साथ में लगा सकते हो, निर्जीव है लेकिन फिर भी लगा सकते हो। जैसे आप ये बोल सकते हो सन्स रेज, यानी कि सूर्य की किरणें, क्योंकि सूर्य एक यूनिक चीज है, कोई मामूली चीज तो है नहीं, तो आप सन्स रेज यानी कि सूर्य की किरणें बोल सकते हो, आप अर्थ, अर्थ ग्रेविटेशन, अर्थ ग्रेविटेशन बोल सकते हो, क्योंकि अर्थ अपने आप में एक अद्भुत चीज है ना, अर्थ ग्रेविटेशन। आप नेचर्स लॉ बोल सकते हो, यानी कि प्रकृति का नियम, क्योंकि नेचर अपने आप में एक अद्भुत चीज है, तो नेचर्स लॉ बोल सकते हो। तो जितनी भी अद्भुत या
यूनिक चीजें होती हैं उनके साथ आप अपोस्ट्रोफी लगा सकते हो, निर्जीव है तो भी, निर्जीव है तो भी। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम क्या करते हैं, पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है सर जी, हिंदी में पढ़ा होगा, मानवीकरण, यानी कि किसी निर्जीव को सजीव की तरह दिखाते हैं, जैसे बोलते हैं ना मन की आंख। तो मन तो एक निर्जीव चीज है, कोई वास्तव में तो कोई चीज है नहीं, लेकिन जब मैंने बोला मन की आंख, यानी कि यहां पर मन को मैं एक इंसान की तरह मान रहा हूं, तो यहां पर भी आप अपोस्ट्रोफी लगा सकते हो, क्योंकि मैंने इसका क्या कर दिया, मैंने इसका मानवीकरण कर दिया। तो आप बोल सकते हो माइंड्स आई, क्या बोल सकते हो, माइंड्स आई। ऐसी बोलते हैं मौत की गोद, तो मौत एक निर्जीव चीज है, लेकिन यहां पर मौत को मैं इंसान की तरह दिखा रहा हूं। जब मैं बोल रहा हूं मौत की गोद, तो मौत को मैं इंसान की तरह दिखा रहा हूं, मतलब मैंने मानवीकरण कर दिया। तो मैं बोल सकता हूं डेथ स्लैप, क्या बोल सकता हूं, डेथ स्लैप। लैप का मतलब होता है गोद, यानी कि मौत की गोद। तो दो केसेस में आप यूज कर सकते हो निर्जीव के साथ, अदरवाइज नहीं कर सकते। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग बताया था अभी, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, उनको सिंगुलर नहीं बना सकते। उसी में मैंने आपको पेयर वाले बताए थे, उसी में मैंने आपको बताया था थैंक्स, है ना, कांग्रेचुलेशंस, उसी में बताया था सराउंडिंग्स। तो सराउंडिंग नहीं होगा, क्या होगा, सराउंडिंग्स, क्या होगा, सराउंडिंग्स। द लॉयर आस्क्ड द कंप्लेंट टू पुट हिज साइन, टू पुट ये क्या है, वर्ब है, हिज क्या है, एडजेक्टिव है, और आप अच्छे से जानते हो कि एडजेक्टिव के साथ में क्या लगाते हैं, नाउन, क्या लगाते हैं, नाउन। यहां पर दे रखा है हिज, हिज साइन, क्या दे रखा है, हिज साइन। इस साइन क्या है, वर्ब है, साइन क्या है, वर्ब है, और ये आपका एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के साथ वर्ब आता है क्या, नहीं आता, एडजेक्टिव के साथ क्या आता है, नाउन। तो क्या हो जाएगा, हिज, और साइन का नाउन क्या होता है, सिग्नेचर, क्या होता है, सिग्नेचर, ध्यान रखना, हिज सिग्नेचर, ये आपका करेक्ट है। ध्यान रखना एडजेक्टिव के बाद में क्या आता है, नाउन आता है, एडजेक्टिव के बाद एक वर्ब नहीं आ सकता, एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, नाउन आता है। तो क्या हो जाएगा, हिज सिग्नेचर, साइन की जगह पर क्या हो जाएगा, सिग्नेचर, सिग्नेचर एक नाउन है, ठीक है। द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विद एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग, जो लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन थी जिसका एक्सीडेंट हो गया, वॉज कैरिंग, उसमें बैठे हुए थे सम आर्मी पर्सनल। देखो पर्सनल का मतलब क्या है, पर्सनल एक एडजेक्टिव होता है, पर्सनल जो है एक एडजेक्टिव होता है। पर्सनल का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत, पर्सनल का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत। यहां पर क्या बोला, आर्मी पर्सनल, यानी कि यहां पर बात हो रही है एक नाउन की, यानी कि आर्मी में जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो आर्मी के लोग होते हैं, यहां पर उनकी बात हो रही है, पर्सनल की बात नहीं हो रही है। तो एक होता है आपका वर्ड पर्सनल, क्या होता है, पर्सनल, पर्सनल का मतलब होता है कोई भी कर्मचारी, किसी भी फील्ड में काम करने वाले जो होते हैं कर्मचारी, ठीक है, किसी भी फील्ड में काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड के, उसको बोलते हैं पर्सनल। तो द आर्मी पर्सनल नहीं, द आर्मी पर्सनल, द आर्मी पर्सनल, यानी कि आर्मी के कर्मचारी थे उसमें, ठीक है। इस प्रकार से एक ही क्लास के अंदर नाउन का खेल हमने कर दिया खत्म, और इससे बाहर नाउन में आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं, इतनी औकात नहीं एग्जाम की कि पूछ ले, ठीक है। जब रोशन भैया हैं साथ तो घबराने की क्या बात, ठीक है। अगली क्लास में प्रोनाउन करेंगे, आज की क्लास में नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी नाउन की क्लास लंबी हो गई, क्योंकि नाउन में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। अगली क्लास में प्रोनाउन करेंगे और कोशिश करूंगा साथ में आर्टिकल भी करा दूं उसके साथ में, ठीक है। ऐसे कर करके मैं पूरी इंग्लिश जो है खत्म करा दूंगा, और सिलेक्शन लेने के बाद में आप लोग जाना इंटरव्यूज देने, और वहां पे जाके आप लोग दूसरे टीचरों का नाम ले देना कि हम तो इंग्लिश वहां से पढ़े थे, वहां से पढ़े थे, हैं गधों, मेरा नाम ले देना, ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लगी तो क्या कर देना, कोई कॉमेंट करके जाना और सेशन को लाइक कर देना, ठीक है। मिलूंगा आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड नाइट और जय हिंद भाई।